आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ आप कहेंगे सर ये कॉन्स्टिट्यूशन नाम की क्या चीज़ है, बहुत जगह नाम सुना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन देश का संविधान, जैसे कि कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन बिना रूल्स रेगुलेशंस के नहीं चल सकता। हाँ आपके स्कूल में भी, हाँ तुम्हारे स्कूल में भी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। रूल्स हैं कि कैसे स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, कैसे वो क्लासेस चलेंगी, टीचर्स कैसे अपॉइंट होंगे, मालूम है कि नहीं बात। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के सेट को, हाँ जो देश को गवर्न करे उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए जाने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना है। हाँ हम तो गुलाम थे, हमें तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात अपने देश को चलाने का अधिकार कैसे मिला और समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इट इज द सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न्ड। बस सिंपल। आइए बुकिश डेफिनेशन देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सब कुछ को समावेश कर ले अपने अंदर। हाँ तो कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द सेट ऑफ रूल्स, क्या है इसके अंदर, रूल्स हैं किसको, देश को चलाने के, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट, इस देश की सरकार, हाँ ये मोदी सरकार कैसे अपॉइंट हो गई, चुनाव कैसे हुआ देश में 5 साल बाद, कौन कराएगा चुनाव, कहां लिखा है सब, समझ गए ना, देश को चलाने वाली सरकार कैसे चुनी जाएगी या देश कैसे चलाया जाएगा। देश में तीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, लेजिस्लेटिव होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होगा, वो तीनों क्या काम करेंगे, उनके पावर्स क्या होंगे। देखा ढेर सारी बातें हैं देश को चलाने की, यह सब कुछ मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में, समझ गया ना कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो हम आजाद हो गए, अंग्रेजों ने हमें आजाद कर दिया, तो अगर आजाद हो गए और हमारे पास खुद के नियम कानून नहीं है तो देश में क्या होगा, हाँ झगड़े हो जाएंगे, कोई नियम कानून नहीं रहेगा, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई भी राष्ट्रपति बन जाएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता हमारे भारत में, समझ गया ना। हमारे भारत में अपना संविधान है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिससे देश के प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, देश के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, और देश को कैसे चलाना है यह सब कुछ लिखा है इस रूल्स एंड रेगुलेशंस की किताब में, नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ वन ऑफ द लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का। हाँ इतना पढ़ा है मैंने, देखी उसकी बुक, और इतनी मोटी किताब है, ये दिस मच बिग बुक है। तो चलिए थोड़ा सा और जाने क्या लिखा है इसके अंदर। इट रेगुलेट्स द पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है जिसमें हम लोग पार्लियामेंट आती है, ठीक है आपकी पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा आता है लेजिस्लेटिव में। दूसरा एग्जीक्यूटिव जो क्या करता है, इस लॉ को इंप्लीमेंट करता है, इसमें गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। और तीसरा है जुडिशरी जो क्या करता है, जज करता है, जो ये बताता है कि लॉज लगाए गए हैं सही से लगाए गए हैं कि नहीं है, फैसला देता है जुडिशरी। तो इन तीनों को गवर्न करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है एनेक्टमेंट, मतलब किस तरीके से हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन देश में लागू किया गया, बना कैसे, लागू कैसे हुआ। तो इसके लिए एक इलेक्शन कराया गया, अंग्रेज जब भारत से छोड़ने को तैयार हुए, हाँ तो उन्होंने सोचा कि भारत को हम छोड़ के जाएंगे तो ये सब आपस में ही लड़ मरेंगे। सच में ऐसा होता भी, पूरे देश में सिर्फ क्या हो जाता, सिविल वॉर हो जाता और बगावत हो जाती, सब कोई अपने अपने राज्य का राजा बन जाता और शायद मुझे लगता है शायद देश छोटे छोटे हिस्सों में बट चुका होता। पर अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने हमें परमिशन दे दी कि हम अपनी ही क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकें। इसके लिए एक प्रोविंशियल असेंबली, जैसे लोकसभा होता है वैसे प्रोविंस की असेंबली होती है, इसकी असेंबली बुलाई गई 1946 में। इस असेंबली में जितने भी राजा वाले स्टेट से, मतलब उस जमाने में जो राजा वाले जो राज्य थे, हाँ जैसे काशी नरेश, हाँ जैसे अवध के हाँ राजा, हाँ नवाब होते थे अवध में, तो हर अलग अलग राज्य में जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उनको इसमें मेंबर बनाया गया, किसमें, इस प्रोविंशियल असेंबली में इनको इसका मेंबर बनाया गया। और क्या हुआ, देश में चुनाव हुआ, देश में वोटिंग हुई और वोटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना गया, पूरे संपूर्ण एकजुट भारत को, यस एकजुट भारत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तब तक इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था, लिखा ना अनडिवाइडेड इंडिया को, के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसाइड किया गया कि यह चुनी जाएगी। किसने डिसाइड किया, इस प्रोविंशियल असेंबली ने डिसाइड किया कि भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो क्या करेगी, पूरे भारत के लिए रूल्स रेगुलेशंस लिखेगी। आइए कितने मेंबर होंगे इसमें, 385 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 292 मेंबर्स को वोटिंग से इलेक्ट किया जाएगा और 93, इन दोनों को प्लस करके देख लो, 292 + 93 कितने आ गए, 385, तो टोटल 385 मेंबर्स होंगे। हाँ ये 385 है, ठीक है 385 मेंबर्स होंगे जो इसको चलाएंगे। याद रखिएगा ये जो 93 मेंबर्स हैं इसको प्रिंसली स्टेट्स, मतलब राजा वाले स्टेट्स के मेंबर्स इसमें होंगे, मतलब राजा किसी भी व्यक्ति को अपना आदमी बनाकर के इसमें भेज सकता है जो इनके लिए कानून बनाएंगे। और हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन, यस हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का पावर इसको दे दिया गया। कौन लिखेगा हमारे देश का कानून, तो ये असेंबली लिखेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, समझ गए ना कितनी इंपॉर्टेंट है ये असेंबली। अब कौन रहेंगे इस असेंबली में, कैसे ये चुनी जाएगी, कब मीटिंग होगी, सब कुछ बताऊंगा ठंडे रखो। चलो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है, कैसे बनी है, मैंने कहा लोगों की वोटिंग से बनी है प्लस नॉमिनेशन फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट से, इससे बनी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसकी मीटिंग बुलाएंगे, जब इसकी पहली मीटिंग बुलाई जाएगी तो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई जाएगी। कहां मीटिंग होगी, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में इसकी मीटिंग होगी। इसके लीडर कौन होंगे, भाई हर असेंबली में या बहुत सारे जहां मेंबर होंगे, अगर कोई गवर्न नहीं करने वाला होगा तो काम तो हो नहीं पाएगा। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को, जो कि इसमें सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, इनको उनका लीडर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया।
पहली सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बाद में मुस्लिम लीग को लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन रही है वो अनडिवाइडेड इंडिया का, याद रखिएगा, अखंड भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रही है। और उन लोग इस बात से एग्री नहीं थे क्योंकि वो इस बात पे अड़े हुए थे कि हमें मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए। क्या नाम होगा उस देश का? पाकिस्तान। तो इन्होंने जीत कर लिया कि यस, मुस्लिम लीग भी इसका मेंबर था, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे मुस्लिम लीग के लोग भी, बट इनकी संख्या थोड़ी कम थी, है ना। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसको बायकॉट कर दिया। बायकॉट मतलब इससे अलग हो गए, बोले हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं बनेंगे, हम डिमांड करते हैं कि हमें हमारा एक अलग देश, हमारा एक अलग कंट्री पाकिस्तान हमें दिया जाए। और इससे वो क्या हो गए, अलग हो गए। तो अब क्या होगा, अब ये जो मेंबर्स इससे निकाले गए हैं, यस, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे जो पाकिस्तान बनना चाहते थे, वो विड्रॉ हो जाएंगे। और कितने मेंबर बचेंगे? 299, ठीक है, 295 मेंबर्स थे टोटल, 299 मेंबर बचे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 86 मेंबर, हाँ 86 सही है ना, हाँ 86 मेंबर्स ने छोड़ दिया। क्यों? ये 86 मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के जो कि चाहते थे कि अलग देश पाकिस्तान बनाने की अनुमति दी जाए, ठीक है, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को छोड़ दिया। अब आता है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कौन कौन इसमें मेंबर्स थे भाई इस असेंबली में, कौन कौन? तो मैंने कहा हमारे देश, हमारी जो गवर्नमेंट थी उस समय, वो ये सोचती थी कि हर एक जाति के, हर एक धर्म के, हर एक रेस के मेंबर इसमें होने चाहिए। ऐसा क्यों चाहती थी, क्यों चाहते थे? क्योंकि अगर हर जाति के, हर धर्म के लोग होंगे तो वह अपनी बात रख पाएंगे इसके अंदर, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी को दबाया, किसी को सताया नहीं जाएगा। इसीलिए इस कौंसिल असेंबली की मेंबरशिप को इतना बड़ा रखा गया था, ठीक है। क्या करना चाहते थे? टू रिप्रेजेंटेशन टू ऑल शेड्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, अर्थात हर तरह के पब्लिक को, हर तरह के समाज के लोगों को इसमें अधिकार मिले, इनकी बात सुनी जाए, इसलिए उनके लीडर्स को रखा गया। हाँ, आइए मैं साबित भी कर दूंगा आपको। तो पहले तो इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग या हिंदूज या सिख हुआ करते थे, बाद में इसमें एंग्लो इंडियंस को जोड़ दिया गया, क्रिश्चियंस को, सबको, सबको मौका दिया गया, हर एक को मौका था। कौन थे उनके लीडर्स, आइए बताने जा रहा हूं। जो एंग्लो इंडियंस थे, वैसे एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जिनके मदर या फादर का ओरिजिन कहां है, इंग्लैंड पे, या तो उनकी माँ या पिता कोई क्रिश्चियन है, इंग्लैंड का वासी है और बाकी इंडियन है, हाँ ऐसा है, उन्हें एंग्लो इंडियंस कहते हैं। तो एंग्लो इंडियंस वर रिप्रेजेंटेड बाय दी मिस्टर फ्रैंक एंथनी एंड मिस्टर एस एच प्रेटर, ये दोनों लीडर्स हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। किसमें मेंबर हैं? इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। क्या करेंगे लोग? ये लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंग्लो इंडियन को भी बराबर मौका मिले, उनके भी हितों की रक्षा हो सके। तो हर कम्युनिटी के, हर जात के, हर धर्म के लोगों को इसमें मेंबर बनाया जाएगा, ठीक है। और क्या उन्हें क्रिश्चियंस को देखने के लिए कौन था? डॉक्टर एच सी मुखर्जी थे क्रिश्चियंस के लिए, और कौन थे? जोसेफ डिसूजा, ये दोनों क्रिश्चियन का वेलफेयर करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने थे। पारसीज के लिए कौन थे? नाम सुना है पारसीज? अच्छा, टाटा का नाम सुना है, रतन टाटा का, हाँ पक्का नाम सुना है ना, तो टाटा पारसी है, हाँ सच में ओरिजिन उनका पारसी। तो पारसीज के लिए कौन थे? डॉक्टर एच पी जफर इमाम। अब बचे कौन? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल सादुल्ला जी। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी देखिए कितने अच्छे हैं भारतवासी, अलग हो गए थे मुस्लिम लीग के मेंबर, पर जो मुसलमान भारत में रहना चाहते थे उनको भी इस कौंसिल असेंबली का मेंबर बनाया गया, देखा। और कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला जी, जिनको इस कौंसिल असेंबली का मेंबर बनाया गया था। और सिखों के लिए किसको बनाया गया था? सिख भी तो है हमारे देश में, हाँ सिख पंजाबी लोग, तो उनके लिए सरदार हुकुम सिंह जी और उज्जल सिंह, इन दोनों को मेंबर बनाया गया कौंसिल असेंबली में। तो क्या साबित करना चाहते हैं? मेरा भारत महान। सच में सोचिए हम कितने विशाल हृदय वाले हैं, हर धर्म के, हर जाति के, हर तबके के लोगों को क्या करना चाहते हैं, देश के कानून बनाने में योगदान देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ जब ये कौंसिल असेंबली बन गई, तो उसके बाद क्या हुआ? तो कौंसिल असेंबली को, हाँ, को जिम्मेदारी दी गई, को ऑब्जेक्टिव दिया गया। देखिए कोई भी संस्था हो, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल्स हो, अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल को कोई आप ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे, ऑब्जेक्टिव मतलब हाँ मकसद, टारगेट, तो तब तक वो काम नहीं करेंगे। और इसी के लिए बनाया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या सच में क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आइए बताते हैं। तो कौंसिल असेंबली अपना क्या काम लेके, लक्ष्य लेके काम करेगी, मैं आपको बताता हूं। उनका लक्ष्य था कि हमारे भारत को सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश घोषित करना, और इसके लिए ही, हाँ ये था इसका ऑब्जेक्टिव। तो क्या है ऑब्जेक्टिव, आइए पढ़ता हूं। तो ये ऑब्जेक्टिव बनाया गया। तो कौंसिल असेंबली का जब काम शुरू होगा, ड्राफ्टिंग मतलब जब राइटिंग शुरू करेंगे, जब कौंसिल असेंबली इसको लिखना शुरू करेगी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला कि इसको बनाया जाना चाहिए, ठीक है। और कब हुआ इसकी बात हुई? दिसंबर 13, 1946 को। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, मैंने बताया किस ऑब्जेक्ट के लिए यह असेंबली काम करेगी, क्या मकसद होगा, क्या टारगेट लेकर के, क्या उद्देश्य लेकर असेंबली काम करेगी। इसमें देश के नेशनल गोल्स लिखे हैं। हाँ, आइए क्या है हमारे नेशनल गोल्स। हम चाहते हैं कि हमारा देश जब आजाद हो जाए तो वो रिपब्लिक से कम कुछ भी ना हो। अब आप पूछेंगे सर रिपब्लिक किस देश को कहते हैं? हाँ, आप रिपब्लिक डे मनाते हैं, कब मनाते हैं रिपब्लिक डे बताइए? आप मनाते हैं 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया था। रिपब्लिक उस देश को कहते हैं जहां पर हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ हेरिडिटी। हाँ, हमारे राष्ट्रपति जो है उसको हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है, उसकी पोस्ट हेरिडिटी नहीं, हेरिडिटी मतलब होता है अब राष्ट्रपति का जो बेटा होगा या बेटी होगी वो अगला राष्ट्रपति बन जाएगा उनके बनने के बाद। ऐसा है हमारे देश में? नहीं, ऐसा मोनार्ची में होता है। मोनार्ची मतलब हाँ जिस देश में राजा होता है वहां पे ऐसा होता है, राजा का बेटा फिर राजा, फिर उसका बेटा फिर राजा। हमारे देश में ऐसा नहीं है।
तो हम लोग क्या बनना चाहते हैं, इंडिया को रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, जो कि हमारा देश बन चुका है। और क्या गोल है, ये सब गोल था, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसी गोल के लिए काम कर रही है, देश को रिपब्लिक बनाना चाहती है। और क्या चाहती है, हमारे देश में सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, हर तरह से लोग क्या हो, आजाद हो, हमारे देश में डेमोक्रेसी चले, लोगों को मत करने का वोट देने का अधिकार हो, कोई बिना डरे वोट दे पाए, और हमारे देश में लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हो। आपको बता दूं 6 फंडामेंटल राइट्स, कितने, 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हम सबको, और ये कहां दिए हैं, पार्ट 3, कहां पर, हाँ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिए गए हैं। ये इसका गोल था कि आप बनाइए देश में फंडामेंटल राइट्स। और क्या गोल है, और इनका एक और गोल था कि सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड्स। इसीलिए जो लोग माइनॉरिटीज थे, अर्थात जिनकी कम संख्या थी देश में, जैसे सिखों की, जैन की, पारसीज की, इवन मुस्लिम्स की, इनको बचाया जाए, इनकी रक्षा की जाए, और तो और बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए, हाँ, जो आदिवासी टाइप के लोग हैं, जो पेड़ों और जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनका, जिनको जिनको बहुत जो बहुत पिछड़ गए हैं हमारे डेवलपमेंट में, हाँ, हम लोग कई बार इसको शेड्यूल कास्ट ट्राइब भी बोलते हैं, इनको बढ़ावा मिलना चाहिए, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। मालूम है कि नहीं, हमारे देश में इनके लिए अलग से कानून बनाए, सब किसमें लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लिखा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया, तो उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, किसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, जिसमें बातें लिखी थी कि हम इस काम के लिए बनाए गए हैं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखना है, देश को रिपब्लिक बनाना है, डेमोक्रेटिक बनाना है, देश में फंडामेंटल राइट्स हो, और लोगों के पास क्या हो, माइनॉरिटीज के पास और बैकवर्ड के पास उनका हक हो। कब पास हुआ, कब एक्सेप्ट हुआ, देखिए नेहरू जी ने रेजोल्यूशन प्रपोज किया, ठीक है, चाहते थे ये पास हो जाए, और पास भी हो गया, January 22, 1947। ठीक है, जब आप इस आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे तभी बेटर रहेगा। अब आती है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको लिखना है, ड्राफ्ट मतलब लिखना, और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की चीज नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरल नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे भारत का, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारे देश में जब ये एक्ट बनाया गया, नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, कहां बना था ये एक्ट, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत को आजाद करने के लिए कानून बनाया अंग्रेजों ने, कहा कि भारत को आजाद करते हैं, पर इस एक्ट में लिखा था कि भारत अब दो टुकड़ों में बट जाएगा, और दो टुकड़े कौन से होंगे, इंडिया और पाकिस्तान, और दोनों को कहा गया कि दोनों के पास अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो मेंबर्स मुस्लिम लीग से अलग हो गए थे, याद होगा कितने अलग हुए थे, 86, उनको पावर दे दिया गया पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, समझ गए, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। और क्या हुआ, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, हाँ, कई बार डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को माना गया है द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तुम्हें पता है आर्किटेक्ट कौन होता है, हाँ बताओ, देखिए कोई भी बड़ी बिल्डिंग बने, कोई भी बड़ा टावर बन जाए, हाँ, उसको बनाने का, उसका नक्शा जो बनाता है व्यक्ति, वो आर्किटेक्ट होता है। तो सोचिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट माना गया इनको, ठीक है ना, देखिए क्या लिखा है इनके आगे, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। क्या इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स रखे, प्रिंसिपल्स मतलब होता है गाइडलाइंस, उसूल रखे, किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। याद रखिएगा, इनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे सुलझा हुआ, सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया, क्योंकि हमने पूरी दुनिया की सारी अच्छी चीजों को अडॉप्ट किया। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े गए और उनसे अच्छी चीजों को लेकर के लिखा गया। सच में हर देश में, जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन, हर देश में जो अच्छी बातें थी हमने खोजी, पढ़ी और लगा कि हमारे देश के लिए फायदेमंद है। सच में आइए, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ये है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो वर्केबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड होना चाहिए माइनॉरिटीज के लिए, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, माइनॉरिटीज की रक्षा करनी है। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप होगी, हाँ, मतलब भारतीय नागरिकता आपको मिलेगी, स्टेट की नागरिकता नहीं मिलेगी, यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ द स्टेट। एक सिंगल जुडिशियरी सिस्टम होगा, एक यूनिफॉर्म फंडामेंटल लॉ होगा, हमारे देश में एक सिंगल कानून होगा, ऐसा नहीं होगा कि हिंदुओं के लिए अलग कानून है, पंजाबियों के लिए अलग कानून है, पारसीज के अलग कानून है, नो 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 नो, सबके लिए एक कानून। देखा, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बढ़ाई, कितना मस्त कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को में स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर सेंट्रल को दिया जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट को क्या करती है, कमांड करती है, कंट्रोल करती है। और क्या बनाया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताता है गवर्नमेंट को कि उन्हें वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। हाँ, इसमें लिखा हुआ है, ये अलग बात है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है जस्टिसेबल नहीं है, मतलब गवर्नमेंट अगर इसको नहीं करेगी तो हम लोग गवर्नमेंट को जेल नहीं डलवा सकते हैं। हाँ, ये बता देता हूँ, समझ गया प्रिंसिपल्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, इतना डिटेल में कहीं कोई भी आपको नहीं बताएगा, और ये अकेला एक चैनल है जहां पर आपको एक एक टॉपिक डिटेल्ड में, हाँ आई प्रॉमिस यू, आप चाहे तो खोज लीजिए, पूरा गूगल कर डालिए, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपके गूगल सर तरुण पानी ही मिलेंगे, इसलिए कहीं भी खोज लीजिएगा, आपको इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस यू। और ये नोट्स, टेक नो वरी, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, कहां मिलने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है आपके लिए राइजिंग स्टार्स, या टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, ज्वाइन करिए, और ये सारे नोट्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाले हैं। ये आपकी बुक को सिंप्लीफाइड करके बनाया गया, इसके बाद कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना क्वेश्चन से खोजने की जरूरत है, ना चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, कुछ नहीं, देखना भी मत, मैं बताऊं, बता रहा हूं, यस, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एम कवरिंग योर एंटायर सिलेबस, पूरा लेटेस्ट सिलेबस फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, रीडिंग्स कैसे हुई, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या करेगी, लिख देगी, पहले लिखने को कहते हैं ड्राफ्ट करना, ड्राफ्ट का मतलब होता है एक तरह का रफ राइटिंग करना, क्या करना है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन का पहले रफ रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है, ड्राफ्ट बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग, ठीक है, और क्लॉज बाय क्लॉज एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बना लेंगे। इस ड्राफ्ट की सेकंड रीडिंग होगी, रीडिंग मतलब समझ गया ना, इसको जोर जोर से पढ़ा जाता था कि यह कानून लिखा जा रहा है,
ठीक है, और सारे मेंबर्स जो थे, हाँ सारे मेंबर्स, कितने मेंबर्स बचे थे, 299 मेंबर बचे थे, ये सारे मेंबर्स को सुनते थे, समझ गए ना। फिर क्या होगा, फिर थर्ड रीडिंग होगी और लास्ट रीडिंग जिसको हम कहते हैं फाइनल रीडिंग होगी, ध्यान दीजिएगा फाइनल रीडिंग का डेट इंपॉर्टेंट है, फाइनल रीडिंग होगी नवंबर 26, 1949। तो इसका मतलब है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली लिख करके, रीड करके, पढ़ करके पूरा कंप्लीट रेडी है नवंबर 1949। तो हमने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, आप पूछेंगे सर 26 नवंबर को क्यों इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगभग 3 साल लगा, मैं एग्जैक्ट दिन बताना चाहूंगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन एग्जैक्ट दिन ये लगा। तो लिख तो दिया गया दिन के अंदर, तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ इस दिन, तो 26 जनवरी को, हाँ 26 जनवरी 1930 को, कब 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था, हमने अपने भारत को क्या कर दिया था, पहले ही आजाद घोषित कर दिया था अंग्रेजों के सामने। तो उस दिन की याद में इसको 2 महीना रोक दिया गया, क्या रोक दिया गया, बन के तैयार है क्वेश्चन 26 नवंबर को, पर इंप्लीमेंट होगा 26 जनवरी 1950, ठीक 2 महीने बाद। हाँ क्या कहा मैंने, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होगा 26 जनवरी, हम इसी दिन को अब क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे 1950 के बाद से, ठीक है। इस दिन का महत्व मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट बता दिया। तो मैंने कहा कितना टाइम लगा, मैंने बता दिया अप्रॉक्सिमेटली 3 साल लगा, इसमें 395 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं, नंबर याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, हाँ नंबर याद कर लेना। तो इंप्लीमेंट मैंने कहा इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर दिया गया, मैंने बताया तुरंत इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, ठीक है ना, अडॉप्ट कर लिया गया था, पास कर लिया गया था फोर्थ रीडिंग के बाद, फोर्थ रीडिंग हुई थी, 4 रीडिंग कब हुआ था ये भी बता दिया, नवंबर 26, 1949 अभी बताया ना, बट मैंने कहा इंप्लीमेंट कब होगा, केम इनटू फोर्स कब से होगा, कब हमारे देश में अप्लाई होगा, हमारे देश में अप्लाई होगा 26 जनवरी 1950 से, हमारे देश में इस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो जाएगा और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो मतलब देश में राष्ट्रपति होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देश का हेड एक होना चाहिए और वो नागरिक, चुना हुआ नागरिक होना चाहिए, इलेक्टेड हेड होना चाहिए, और पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले कौन थे, इनको पहले देखते थे तो कोई प्रेसिडेंट नहीं था, थे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे और सी राजागोपालाचारी थे, ठीक है, पर वो प्रेसिडेंट नहीं थे, ठीक है, गवर्नर जनरल थे। अब मैंने बता दिया 26 जनवरी क्यों इतना इंपॉर्टेंस है ना, 26 जनवरी को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होगा और इस दिन से हम भारत क्या बन जाएंगे, हम भारतवासी रिपब्लिक देश बन जाएंगे। आजाद तो हो गए थे, आजाद तो 15 अगस्त को ही हो गए थे 1947 को, पर रिपब्लिक कब बने, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, कहानी में बता चुका हूं, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, लाहौर सेशन में पहली बार भारत ने, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, देश को पूर्ण स्वराज घोषित किया था, ठीक है, 26 जनवरी 1930 से, डेट बता दे रहा हूं मैं फिर से, 26 जनवरी 1930, हाँ इस दिन से हमने इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का अनाउंसमेंट किया और हमने देश को आजाद घोषित कर दिया जबकि हम गुलाम थे। तो इसी की याद में, इसको न भुलाने के लिए नेहरू जी ने क्या किया, यस ये हम भूल ना पाए, इंडिपेंडेंस डे अपना गुलामी से पहले ही को इसी को रिपब्लिक डे घोषित कर दिया। सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट वन, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके देश में कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, किस तरीके से पार्लियामेंट डिफॉर्म हो रही है, कैसे हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर्म हो रही है, कैसे ये पूरे देश का सिस्टम गवर्न हो रहा है, कभी सोचा है क्या? हाँ, इसी से हो रहा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश का, यस पूरे देश का गवर्निंग करने का रूल लिखा हुआ है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन एज वेल एज द मोस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड माना गया है। तो चलिए आइए जाने क्या क्या इसके मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल सिटीजनशिप। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि देश में एक तरह का ही सिटीजन होगा। अगर आप यूपी में रहते हैं तो भी आप इंडियन सिटीजन हैं, केरला में रहते हैं, हाँ मेरे केरला वाले राइजिंग स्टार्स हैं आप, तो भी आप इंडिया के सिटीजन हैं। हाँ इसी तरह से मैं किसी भी स्टेट का कह रहा हूं। पर क्या अमेरिका में ऐसा है क्या? जवाब है नहीं। अमेरिका में आपको 2 बार सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। याद रखिएगा हमसे अलग सिस्टम है यूएसए में। वहां पर आपको सिटीजनशिप पहले लेनी पड़ेगी जिस स्टेट में रह रहे हैं। अगर आप न्यूयॉर्क में रह रहे हैं तो आपको न्यूयॉर्क की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और आपको अमेरिका की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। बट मैंने इंडिया का केस बताया, हमारा केस बताया, हमारे देश में ऐसा कोई झमेला नहीं है। आप एक बार यस किसी भी स्टेट में जहां बॉर्न हुए हो तो आप उस पूरे कंट्री के यस मतलब इंडिया के सिटीजन हो। याद रखिएगा हमारे सिटीजनशिप एक्ट को थोड़ा सा चेंज किया गया, अमेंड किया गया 2003 में, और इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, ड्यूअल सिटीजनशिप की सिस्टम शुरू की है। बट ये हमारे और आपके लिए नहीं है, यस तुम्हें और मुझे इसका फायदा नहीं मिलेगा। किनको मिलेगा? वो लोग जो भारतीय हैं, अर्थात जिनका फैमिली, जिनके रूट्स इंडिया में हैं और मतलब भारत के ओरिजिन के हैं और ये भारत में आ गए थे 1950 के बाद, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे आपको पता होगा हिंदू फैमिलीज थी जो पाकिस्तान रह रही थी, अभी बांग्लादेश रह रही थी, वो 1950 के बाद इंडिया में वापस आ गई, वहां पे उनके लिए माहौल कॉन्ड्यूसिव नहीं था, तो उनको, उनके जो पूर्वज थे वो भारत में थे, उनको भारत का नागरिक दे दिया गया। इसका मतलब उनको ड्यूअल सिटीजनशिप मिल गई, समझ गए। तो ऐसा भी हमारे देश में प्रावधान है। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का रिजिड नहीं है एकदम, कि इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते।
कर सकते हैं, ठीक है, पर इसके लिए पार्लियामेंट की अनुमति परमिशन चाहिए होती है। और क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखो ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम बात है, हाँ ये फीचर बहुत आसान है, अर्थात हमारे देश में हर वो व्यक्ति जो 18 साल या उससे अधिक का है उसे राइट टू वोट है। हाँ तुम लोग नहीं है, है ना मेरे राइजिंग स्टार्स, आप लोग अभी 18 के नहीं हुए हैं तो अभी नहीं है, पर आपके मदर फादर को यस उनका वोटर कार्ड बना हुआ है, चेक करना उनका इलेक्शन कार्ड बना हुआ है, उनका नाम है वोटर लिस्ट में, तो वो वोट दे सकते हैं और इवन स्वयं भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे देश में और सबको राइट है, हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है उसको एक वोट करने का अधिकार है, वह किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, रिलीजन का हो, सबको। तीसरा यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, और ये फीचर है फंडामेंटल राइट। अगर आप सोचिए आपको परमिशन ना मिले क्या करने की, आजादी से कहीं आने जाने की, आजादी से बोलने की, अपनी कहीं बात रखने की, कहीं पेपर्स में लिखने की, तो सोचिए क्या आपकी लाइफ ग्रो कर पाएगी? आप कहेंगे सर इम्पॉसिबल है। हाँ मैं भी कह रहा हूं, तो इसीलिए इसको कहा गया है फंडामेंटल, मतलब ऐसे राइट विच आर बेसिक्स फॉर दी लिविंग, आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट इसके बिना नहीं हो सकते। हाँ सच में, तो हमारा देश तो इतना लकी है कि हमारे यहां हर वो नागरिक जो भारत में रहता है उसे फंडामेंटल राइट दिए गए, हालांकि 6 बेसिक फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, सातवां और एड कर दिया गया है अमेंडमेंट के द्वारा, पर 6 क्या है हमारे देश में ये फंडामेंटल राइट है। आइए थोड़ा जाने इनके बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स वो कंडीशंस हैं, यस वो कंडीशन देता है जो हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, या बचाता है लोगों को किसी भी तरीके से भेदभाव से, कोई आपसे भेदभाव आप पर अत्याचार नहीं कर सकता। हाँ कोई कोई का मतलब गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, पुलिस भी नहीं कर सकती है, इवन जज भी नहीं कर सकता है आपके खिलाफ भेदभाव। हाँ तो ये राइट उनको रोकता है, क्या है? तो थोड़ा सा पहले जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 नंबर याद कर लीजिए, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, और इसमें 6 मैंने बताया, 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, मैं एक एक करके स्टोक करूंगा। सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। देखिए हर राइट के साथ आर्टिकल नंबर मिलेगा, तो आर्टिकल का मेन हेडिंग याद करना आपको है, क्योंकि आर्टिकल के नाम से क्वेश्चन बनता है। हाँ ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे राइजिंग स्टार्स के साथ, हाँ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ इस चैप्टर के लिए नोट भी बना लो। हाँ मैं नोट दे दूंगा, मैं नोट दूंगा, ये पूरा जो मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाया हूं आपके लिए इस पूरे लेसन का, मैं इसको नोट दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइजिंग स्टार के नाम से ही है, और टेलीग्राम चैनल भी मेरा बना हुआ है राइजिंग स्टार के। ऐसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पुराने नोट्स भी मिल जाएंगे। हाँ लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जाएं और जरूर चेक करें, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी मतलब सब बराबर है, कोई ऊंचा कोई नीचा, अर्थात कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कानून की नजरों में सब इक्वल है, इसी का नाम रखा गया है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल्स मैंने कहा आपको याद करने पड़ेंगे, मैं मेन आर्टिकल्स को आपको बताता जाऊंगा, और ये आर्टिकल भी आपको आने चाहिए। तो कहा गया है कि अगर किसी देश में इक्वालिटी ना हो, सोचिए इमेजिन करिए कि बराबरी ना हो, तो वहां इलेक्शन का कोई फायदा है? ठीक है, तो डेमोक्रेसी हमारे देश में जो इलेक्शन हो रहा है इसीलिए सक्सेसफुल है। देखते हैं कभी गवर्नमेंट चेंज जाती है, इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अब बीजेपी गवर्नमेंट है, तो क्योंकि लोगों को डर नहीं है, सब इक्वल है, वो जिसको चाहे अपनी सरकार चुन सकते हैं। तो ये इनके अंदर क्या है? तो पहला आएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको यस इसको कहते हैं आर्टिकल नंबर 14। याद रखिएगा 14 से लेके 18 पांच आर्टिकल है इसके अंदर, हाँ चार नहीं है वो पांच है, ठीक है, 14 को भी काउंट करिए। तो आर्टिकल 14 में गारंटी दिया गया है कि कानून के नजरों में सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, कानून सबकी रक्षा करेगा, आपके स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अमीर है गरीब है, आप किस कास्ट के हैं, किस रंग के हैं, किस क्रीड या रिलीजन या मेल या फीमेल है, सबके लिए कानून बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल नंबर 16, इसमें कहा गया है कि सबको बराबर मौका मिलेगा। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मौका, किस चीज में मौका मिलेगा? नौकरियों में मौका मिलना चाहिए, हाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सबको इक्वालिटी देती है, पर आप कहेंगे सर सरकार ऐसा तो नहीं करती है, कुछ लोगों को रिजर्वेशन देती है, तो ये राइट इसी के अंदर ही लिखा है, ये राइट इसके अंदर दिया गया है। क्या दिया गया है? इट अलाउज मेकिंग ऑफ रिजर्वेशन, सरकार कुछ रिजर्वेशन कर सकती है, 100% नहीं कर सकती रिजर्वेशन, कुछ सीट्स सरकार रिजर्व कर सकती है, कुछ जॉब रिजर्व कर सकती है, कुछ नौकरियां रिजर्व कर सकती है, किनको कर दिया आपको पता ही है, एससी को किया है दैट इज शेड्यूल कास्ट, एसटी को किया है दैट इज शेड्यूल ट्राइब, और इवन ओबीसी को, नाम सुना है अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज, इसके लिए सरकार ने एक लॉ बना दिया है। याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा थोड़ा चेंज किया जा सकता है, पूरा नहीं, याद रखिएगा ओनली सम पार्ट कैन बी अमेंडेड, याद रखिए। नेक्स्ट तीसरा राइट है राइट इक्वालिटी के अंदर, हाँ राइट इक्वालिटी चल रहा है याद रखिएगा, और है राइट एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में कहा गया है कि कोई भी अनटचेबिलिटी किसी भी रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अनटचेबिलिटी अछूत प्रथा, हाँ पहले होता था ना कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को दलित कहा जाता था, हाँ उनको अपमानित किया जाता था, उनको गांव के कुएं में पानी नहीं भरने दिया जाता था, शायद आपको ध्यान हो पहले ऐसा बहुत होता था, अब ऐसा नहीं कर सकते, अब सब बराबर हैं, हर जगह उनको इक्वालिटी है, ठीक है, पब्लिक प्लेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक वेल में, उनको कोई भी यस आप में से कोई भी उसको रोक नहीं सकता, ठीक है। और क्या हुआ आर्टिकल 18 में, क्या हुआ आर्टिकल 18 है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अंग्रेजों ने हमें बहुत सारे टाइटल्स दिए थे, राय बहादुर, पता नहीं आपको शायद ध्यान हो कि ना हो, अंग्रेज कुछ इंडियंस को टाइटल दे करके उनको अपने पक्ष में कर लेते थे, हाँ राय बहादुर, शेर बहादुर, समझ गया ना, तो वो टाइटल देकर क्या करते थे, इंडियंस को अपने पक्ष में मिला लेते थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि किसी को कोई टाइटल नहीं है, तो आप पूछेंगे सर वो जो भारत रत्न मिलता है क्या वो टाइटल है क्या? जी नहीं, भारत रत्न तो एक देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, और जो मिलिट्री मिलता है टाइटल, अरे भाई वो तो उनकी रैंक है,
समझ गया ना, टाइटल। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के टाइटल देना मना कर दिया है। राय साहब, खान बहादुर, खत्म खत्म, महाराजा, कोई नहीं, कोई नहीं। हमारे देश में अब कोई राइट नहीं है, क्योंकि राइट से इक्वलिटी हटती थी, है ना। अर्थात राइट्स मिलने से किसी को पावर ज्यादा मिल जाते थे, तो टाइटल ही हटा दिया आप सब बराबर। तो पहला हेडिंग किया राइट टू इक्वालिटी, अगली हेडिंग करने जा रहे हैं, याद रखिएगा छह फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करना है। तो अगली हेडिंग है राइट टू फ्रीडम। अब ये एक बहुत बड़ा राइट है, इसके अंदर राइट टू फ्रीडम के अंदर भी, राइट के फ्रीडम के अंदर भी छह राइट्स हैं, इसके अंदर भी छह राइट्स हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर देख लीजिए, आर्टिकल नंबर है 19 to 22। सुनने में तो आ रहा है सिर्फ तीन आर्टिकल है, 19, 20, 21, 22। देखा, यही मिस्टेक होती है, बच्चे इसको माइनस करके कहते हैं सर तीन ही तो है। अरे भाई 19 को भी तो गिनोगे और 22 को भी गिनना है, तो 19, 20, 21, 22 कितने आर्टिकल हो गए, चार। तो इसके अंदर छह एसेंशियल राइट्स हैं। पहला राइट आएगा इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 19। मैं हाईलाइट करता हूं, हर आर्टिकल को देखेंगे आप, मैं उसको हाईलाइट या अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आर्टिकल के नंबर से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द राइट्स दैट आर गारंटीड अंडर द आर्टिकल 19, प्लीज बी अवेयर, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, क्योंकि नाम क्या है, आजादी, फ्रीडम, ठीक है, 15 अगस्त। तो इसमें क्या बोला गया, इस आजादी में आपको बोलने की आजादी है, अपनी बात रखने की आजादी है, कहीं इकट्ठा होने की आजादी है, बिना आम से इकट्ठा होइएगा, याद रखिएगा। हथियार लेके इकट्ठा नहीं होना, याद रखना, लाठी डंडा चाकू गोदा ये नहीं, 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 ये नहीं कर सकते। कहीं भी एसोसिएशन बना सकते हैं, अपनी यूनियन बना सकते हैं, हाँ अपना संगठन बना सकते हैं, कहीं देश में आ जा सकते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, घर बना सकते हैं, और कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। ये राइट है आर्टिकल 19, ठीक है। इस राइट के अंदर छह राइट्स थे। अब कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसके अंदर रोक है, मतलब आप ये सब काम तो कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, बताया, बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, पर मैं बोलने में क्या करूं, किसी का अपमान करते रहूं, ये राइट टू फ्रीडम है ना, इसमें है तो फ्रीडम, राइट टू स्पीच है, मैं तुमको बोलने ही ना दूं, हाँ किसी को मैं जाके परेशान करता हूं, उसको चिल्लाता रहूं, उसको गालियां देता रहूं, नहीं। देखा, हर राइट के पीछे क्या है, लिमिटेशंस है। हो सकता है आपको राइट दिए गए हैं, पर इस राइट को रोका जा सकता है कुछ हद तक, ठीक है। क्या है इसमें लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस है, जब देश में इमरजेंसी लग जाएगी तो ये राइट सस्पेंड हो जाएगा, और ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब आप इस राइट का एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं ले सकते। राइट टू फ्रीडम है, ऑफ मूवमेंट है, तो तुम किसी घर में घुस गए, कहे सर राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मैं तो किस घर में रहूंगा, किसी भी किसी घर में घुस गया, अरे राइट टू फ्रीडम ऑफ टू रिसाइड है, तो मैं यही रहूंगा आपसे, अब ये मेरा घर हो गया, नहीं नहीं, ये आपको राइट नहीं दिया गया है। देखा क्या कहना चाहते हैं, तो राइट्स हैं, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और लॉज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इन राइट्स को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, इवन चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एक कानून बनाया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, तो पार्लियामेंट ने एक्ट बना करके लोगों के राइट्स को कर्टेल कर दिया, रोक कर दिया, है पावर, है पावर है। चलो अगला, याद रखिएगा हेडिंग चल रही है राइट टू फ्रीडम, इसका हेडिंग नंबर 2। बी हेडिंग में क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब किसी ने अपराध किया, किसी ने कोई सजा वाला ऐसा काम किया जो गलत था, तो क्या क्या उसके पास राइट्स अवेलेबल है। पहला राइट तो ये है इसके अंदर कि आप अपराध करने वाले व्यक्ति को, यस आर्टिकल नंबर देखिए कितना है, 20 है, अपराध जो अपराधी है, मतलब एक तरह से उसको आप पेनल्टी उतनी नहीं दे सकते जो कानून में नहीं लिखी है, उसके बियॉन्ड नहीं दे सकते। एक एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूं, अगर चोरी करने पर, हमारे देश में कानून है कि चोरी करने वाले को, एग्जांपल है मेरा, ठीक, 6 महीने की सजा दे सकते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ऐसा इंडियन पेनल कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। पर कोई जज जबरदस्ती क्या कर सकता है, उसको 2 साल की सजा दे सकता है क्या, जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि जो प्रिस्क्राइब है हमारे कानून में उतना ही दे सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं दे सकते, कम हो सकता है, बराबर हो सकता है सजा, उसे ज्यादा सजा नहीं दे सकते, और किसी को एक ही चीज की 2 बार सजा दे सकते हैं, जवाब नहीं। अरे भाई एक ही गलती के 2 सजा कैसे दे सकते, एक ही सजा दोगे ना। और लास्ट में, किसी को कंपेल या मजबूर नहीं कर सकते हो कि वो अपने खिलाफ गवाही दे, तुम अपने बारे में खुद गुनाह लिख के दो वरना तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे। अरे नहीं भाई, ऐसा कोई पुलिस वाला या ऐसा कोई जबरदस्ती आपसे नहीं कर सकता, समझ गया क्या राइट है। आपको कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप अपने ही विटनेस बन जाइए, ठीक है, ये हो गया अगेन प्रोटेक्शन, ठीक है। अब है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसमें रखा गया है कि आपके जीवन, आर्टिकल 21 है, आपके जीवन को, आपके प्रॉपर लिबर्टी को, आजादी को कोई रोकेगा नहीं, आपको जीवन जीने से, आजाद और मुक्त रहने से कोई डिप्राइव नहीं कर सकता, कैद नहीं कर सकता आपको, ठीक है, कोई भी कानून भी आपको कैद नहीं कर सकता, ठीक है। अब आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है, थोड़ा सा इस पे ध्यान से देखेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, ये है राइट अगेंस्ट अरेस्ट। आर्टिकल नंबर ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 22, याद रखोगे 22, ठीक है। इस आर्टिकल में क्या कहा गया, पहला है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में, जैसे मान लेते हैं कोई आदमी चोरी करते हुए पकड़ा गया, ठीक, ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, ऑर्डिनरी है कि कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, चोरी किया था तो अपराध है, अपराध है तो पकड़ा गया, ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में पकड़ा गया है, ठीक है। तो अगर किसी को आम सिचुएशन में गलत किसी काम करते हुए पकड़ा गया है, तो क्या क्या उसके पास राइट्स हैं, उस अपराधी के पास भी राइट्स हैं। हाँ देखो कितना अच्छा कानून है हमारे देश में, राइट है कि उसे इन्फॉर्म किया जाए कि तुम्हें क्यों पकड़ा गया है, तुम्हें क्यों जेल ले जा रहे हैं, उसे राइट है कि वो मजिस्ट्रेट के अंदर के पास जाए 24 घंटे के अंदर, इसका मतलब पुलिस उसको अरेस्ट करके ठोक पीट करके यस कई महीनों तक मार मोर करके अपराध कबूल नहीं करा सकती है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर उसको पुलिस वालों को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा, जज के पास ले जाना पड़ेगा, समझ गए। जज तुरंत क्या करेगा, उसका बयान रिकॉर्ड कर लेगा, और उसे अधिकार है कि वो अपना लॉयर रख सकता है, वो अपने लॉयर को, अपने वकील को बुला सकता है जेल में, मेरे वकील को बुलाया जाए, हाँ उस अपराधी को पूरा अधिकार है, तो राइट्स हैं। बट
ये राइट्स थोड़े छीन लिए जाएंगे अगर उनको पकड़ा जाएगा, ऑर्डिनरी सिचुएशन में नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन में। हाँ, देश में हमला हुआ, जानते हैं आतंकवादियों ने देश में हमला कर दिया, बॉम्बे पे हमला कर दिया और बहुत छह के करीब आतंकवादी आए, ये ह्यूमन बॉम्ब्स थे, बमों इन्होंने बहुत देश में मार्केट मचाई, बॉम्बे में मार्केट मचाई। और हाँ, मुझे ज्यादा सितंबर का महीना था शायद ये, है ना, और बहुत सारे लोग मर गए थे, क्या आपको ध्यान है इंसिडेंट वाला? हाँ, बॉम्बे में हुआ था, बहुत तबाही मचाई थी। तो उसमें से एक आतंकवादी पकड़ लिया गया था, जानते हैं उसका नाम कसाब। तो अब क्योंकि ये एक बहुत ही डेंजरस अपराधी था, जिंदा पकड़ा गया था मालूम नहीं आतंकवादी, इसके बाकी साथी मारे गए थे या उन्होंने अपने आपको बम से उड़ा लिया था, पर एक पकड़ा गया था आतंकवादी। अब क्योंकि इसको पकड़ने पर यस देश का बहुत बड़ा मतलब एक कह सकते हैं इसको अपना आजाद छोड़ नहीं सकते, ये बहुत ही खूंखार अपराधी था, ठीक है। तो इसको रखा गया किस कानून के तहत? बंद, प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन मतलब किसी को डिटेन करके रखना, किसी को पूरी आजादी ना देना, कैद करके रखना, ठीक है। अब क्या है इसमें? तो अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन नाम के कानून में पकड़ा जाएगा तो उसको 3 महीने बिना मैजिस्ट्रेट के पास ले जाए, देखिए बिना ट्रायल कराए उसका, उसको कैद किया जा सकता है। ऑर्डिनरी सिचुएशन में आप 24 घंटे से अधिक नहीं रोक सकते, 24 घंटे के अंदर ही आपको उसको मजिस्ट्रेट के पास लाना है। इसमें 3 महीने तक उसको बंद करके पीट पाट करके उसका गुनाह उससे कबूलवा सकते हैं। इसमें पावर टू दी पुलिस बढ़ जाएगा, पावर टू दी सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन के पास ज्यादा पावर आ जाएगा उस अपराधी के खिलाफ। शर्त एक ही है कि उसके ऊपर क्या लगना चाहिए? प्रिवेंटिव डिटेंशन नाम का अपराध लगना चाहिए। और क्या उसके पास कोई राइट्स नहीं है? क्या ऐसे नहीं, हमारा देश बहुत अच्छा देश है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है कि उस अपराधी को भी तुरंत अपराधी नहीं माना जाता है। हाँ, आपको मालूम होना चाहिए, कसाब को पकड़ लिया गया, अपराध के टाइम पकड़ा गया, फिर भी उसको पूरा मौका दिया जाएगा। हमारे देश में बहुत राइट्स हैं। क्या राइट है ऐसे व्यक्ति को? यस, उसके पास भी अधिकार है, कसाब के पास भी अधिकार है। याद रखिए, कसाब इंडियन नागरिक नहीं था, एक पाकिस्तानी नागरिक था जिसने देश पे हमला किया था, फिर भी उसको राइट्स दिए गए। क्या राइट दिए गए? देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन ये नहीं कहता है कि पर्सन अपराधी है, अपराध अभी साबित नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसको अभी सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर के तहत बचत के नाम पर, समझ गए। और 3 महीने से ज्यादा अगर आप उसको और कैद करना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? एक एडवाइजरी बोर्ड से। ये एडवाइजरी बोर्ड में कौन होगा? एक जज होगा हाई कोर्ट का, वह अनुमति देगा तभी रख पाएंगे। इसका मतलब है 3 महीने के अंदर हर हाल में इसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। भाई, हो सकता है वो 3 महीने तक कबूल ही ना करे अपना अपराध, ठीक है ना, क्योंकि उसको प्रिवेंटिव तरीके से रोका गया है ताकि बाहर जाएगा तो और अपराध कर सकता है और तबाही मचा सकता है कि नहीं है, अपने देश भाग सकता था फॉर एग्जांपल, तो इसलिए रोका जाता है इसको। और तीसरा क्या राइट है इसके पास? राइट है इसका कि इसको बताया जाए कि क्यों आपको हम कैद कर रहे हैं, आपको कैदी क्यों बनाया, बंदी क्यों बनाया, डिटेन क्यों किया, इसमें हमें बताना पड़ेगा और इसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इसके तो बताएंगे कि इसका कारण क्या है, और इसको भी रिप्रेजेंट करने का राइट देंगे। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी शिकायत बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है सिस्टम से, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये गलती की, मानिए। उसको बोलने का, उसको अपनी बात रखने का, वकील बुलाने का अधिकार नहीं, अभी अपनी पूरी बात खुद बताएगा, राइट टू रिप्रेजेंट खुद करेगा। ये है, देखा कितना अच्छा कानून है हमारे देश का, नाम है प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या आता है, क्या इसमें भी कोई रोक टोक है? हाँ, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन मतलब जब जब ये राइट्स को रोका जा सकता है, तो पब्लिक इंटरेस्ट पे, अर्थात जहां पे आम जन का भला हो रहा हो वहां पे लोगों के राइट्स छीने जा सकते हैं। और या तो मैंने कहा पार्लियामेंट के पास तो पावर है ही, आप जानते हैं, पार्लियामेंट एक्ट बना करके इसको और क्या कर सकती है, रोक सकती है और कड़े कानून बना सकती है। आइए, तीसरा फंडामेंटल राइट, मैंने कहा था 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़ूंगा, अभी तीसरा है, चैप्टर थोड़ा बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहीं जाना नहीं है, ठीक है, कहीं और आपको इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस यू, जितना डिटेल में आपकी एक्जैक्टली जितना सिलेबस में है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 और 24, दो ही आर्टिकल है इसके अंदर। तो इसमें कहा गया है कि आप किसी के साथ अत्याचार नहीं कर सकते, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है, किसी को गुलाम नहीं बना सकते, किसी को जबस्ती पकड़ के भीख नहीं मंगवा सकते। हाँ, मैंने सुना था ऐसा मेट्रो में होता है, बहुत सारे शहरों में, दिल्ली बम्बई में, कि कुछ गरीब बच्चों को पकड़ करके उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, है ना, और एक गैंग होता है जो ऐसे भिखारियों को सड़कों पर बैठा देता है और एक गैंग के लोग क्या करते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? हाँ, मूवी में तो जरूर देखा होगा, पक्का ऐसे गैंग होंगे, सच में है, वैसे याद रखिएगा जो मूवी में है वो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ कल्पना है आपकी, है ऐसा सच में है। तो ये अपराध है, दिस इज रॉन्ग, ये आपका फ्रीडम छीन रहे हैं। तो बैगरी नहीं करा सकते, किसी को फोर्स्ड लेबर, बिगार जिसे बोलते हैं, जबस्ती काम नहीं करा सकते। इसके अंदर आता है ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये भी अलाउड नहीं है। इसका मतलब इंसानों को खरीदना बेचना, आप जानवर तो खरीद सकते हैं, एक बार तो चलेगा, ठीक है ना, काओ गोट बकलो, हाँ बिकती है आराम से, बट ह्यूमन बींग्स का खरीदना इलीगल है, खास करके गर्ल्स को या वुमेन्स को खरीदा बेचा जाना, जो आप जानते हैं एक तरह की हिंदी वर्ड बोले तो यस वैश्यावृत्ति, इट्स अलाउड है, ठीक है। अब आता है आर्टिकल नंबर 24, दो आर्टिकल है ना, 23 अब दूसरा है 24। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि अगर बच्चा है 14 साल से बिलो, आप इसको फैक्ट्री में काम पे नहीं रख सकते, माइंस पे नहीं रख सकते, और किसी भी डेंजरस, हैजरस मतलब होता है डेंजरस, जहां पे उसकी जान को खतरा है, ऐसे कामों पे नहीं रख सकते। इवन आप अपने फैक्ट्रियों में, अपने घरों पे भी, नौकरी पे नहीं रख सकते। क्या आपकी उम्र 14 साल से ज्यादा है? हाँ, राइजिंग स्टार आपसे पूछ रहा हूं, तुम लोग की उम्र 14 साल से ज्यादा है ना, तो उसका मतलब है कि आप अगर 14 साल से ज्यादा है तो आप काम कर सकते हैं फैक्ट्री में, माइंस में, और जगहों पे नौकरी कर सकते हैं, पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे रखना अलाउड नहीं है इस आर्टिकल के तहत। इसका मतलब है किसी दुकान में, किसी फैक्ट्री में, किसी माइन में उनको रखा गया है तो उसके खिलाफ कानून लगता है। हाँ, जिसने काम पे रखा उन बच्चों को, इसलिए बच्चों को आजकल कोई काम पे नहीं रख रहा है। अगला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हाँ धर्म की आजादी, नाम से पता चल रहा है। आर्टिकल में है चार आर्टिकल, 25, 26, 37, 28, चार आर्टिकल है इसके अंदर, चार आर्टिकल है इसके अंदर। पहला आर्टिकल ये कहता है, मतलब आर्टिकल 25 में क्या कहता है, क्या इस आर्टिकल में पहली बात क्या है,
इस आर्टिकल में लोगों को आजादी है कि वो अपने मन के अंतरात्मा के यस रिलीजन को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें, प्रोपोगेट करें, प्रचार करें। प्रचार करना मतलब अपने अपने जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं उसका लोगों के पास जा जाके घूम के प्रचार करें, उसका गीत गाएं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम उनको अलाउड है। और क्या राइट है, अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं उन लोग, हाँ अपने धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं। अब जैसे गुरुद्वारा है फॉर एग्जांपल, सिखों का है कि नहीं है, तो गुरुद्वारा वाले अपना स्कूल नहीं चला सकते हैं, गुरुद्वारा कमेटी नहीं चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते हैं, उनको पूरा अधिकार ऐसा करने का। वैसे ही क्रिश्चियंस हैं, चर्च मेंटेन करते हैं, मिशनरीज वाला काम करते हैं, हाँ वो मिशनरी स्कूल चलाते हैं, हाँ जैसे सेंट जॉन स्कूल, सेंट पीटर स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल, एकदम अलाउड है उनको, वो चर्चेस खोल सकते हैं, चैपल्स चला सकते हैं, तो उनको इसी राइट मिला, ये राइट मिला है। और क्या मिला है, अपने रिलीजन को मैनेज करने का राइट मिला है, अपने धर्म के नाम पर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं सच में, और लास्ट में है उस प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जो उस प्रॉपर्टी का चाहे यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो आप लोगों के स्कूल से ज्यादातर, हाँ जो मैं क्रिश्चियन स्कूल की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, वो रिलीजन बेस्ड सोसाइटी है जो उसको मेंटेन करे, एकदम कानूनन उनको पूरी तरह से अलाउड है। आप मुसलमानों में अगर जाना चाहेंगे तो उनको मदरसा नाम सुना, हाँ मुसलमानों के स्कूलों को जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसा में भी पढ़ते हैं, एकदम अलाउड है उनको वहां पर, वो यस मुस्लिम फैमिलीज और मुस्लिम सोसाइटी क्या करती है, मुस्लिम ट्रस्ट उसको क्या करता है, मेंटेन करता है उन स्कूलों को, एकदम कर सकता है, अलाउड है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में है। और क्या है, किसी को आप कंपेल नहीं कर सकते कि धर्म के नाम पर आप मुझे टैक्स दीजिए, हमारे यहाँ जजिया वजिया नहीं चलता है। हाँ औरंगजेब ने हम लोग के साथ जजिया किया था, पता है कि नहीं आपको, औरंगजेब नाम का एक मुस्लिम रूलर था, उन्होंने हिंदुओं पर टैक्स लगाया था, जजिया पिलग्रिम टैक्स, आप तीर्थयात्रा करने जा रहे हैं टैक्स भरिए, पर अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं करता है। चलिए पांचवा फंडामेंटल राइट बात करते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो इस राइट में क्या कहा गया है, अगेन ये राइट कहता है कि आपको आपके कल्चर आपके रिलीजन को मेंटेन करना, यस जो भी आप, यस आर्टिकल दो है इसके अंदर, पहला आर्टिकल 29, ये क्या अलाउ करता है, लोगों को अलाउ करता है कि आप अपने जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, अगर कोई सिंधी है, हाँ कोई सिंधी है तो वह सिंधी भाषा, जिसे हम लोग, मैं जैसे मैं कह रहा हूं, सिंधी भाषा फॉलो कर सकता है, उसको स्क्रिप्ट, यस सिंधी की अपनी एक स्क्रिप्ट है वो लिख सकता है और अपने कल्चर को प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको बचा सकता है, उसको प्रिजर्व कर सकता है, इसको रोका नहीं जाएगा, ऐसा कोई भी लैंग्वेज करने वाले को पूरी छूट है, ठीक है। और आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है, इनको अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने की छूट है, जैसे मैंने सिखों वाला एग्जांपल दिया था अभी तक, सिख लोग क्या करते हैं, पंजाबी बोलते हैं, अलाउड है, गुरमुखी नाम की उनकी स्क्रिप्ट है, अलाउड है, उनका अपना कल्चर है, हाँ पगड़ी पहनते हैं, है ना, छोटी तलवार रखते हैं ना, देखा होगा, तो ये उनके कल्चर में किस तरह के वस्त्र धारण करते हैं, किस तरह का खान पान करते हैं, ये उनको आजादी है। उनके अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, गुरुद्वारा है, उनके अपने स्कूल्स भी हैं, गुरुद्वारा वाले स्कूल्स भी हैं जहां पर सिखों की पढ़ाई भी होती है, हाँ सच में पंजाबी पढ़ाई जाती है, फुल राइट, एकदम कानून यह कहता है, एकदम उनको आजादी, ऐसा कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये राइट्स मिले हुए हैं एजुकेशन चलाने के, इसी में नंबर याद कर लोगे, अब कोई पूछेगा कि स्कूल्स, यस वो क्रिश्चियन स्कूल्स हो सकते हैं, मदरसा हो सकते हैं, मुस्लिम स्कूल हो सकते हैं, इवन हिंदू स्कूल भी हो सकते हैं जो मठ वाले चलाते हैं, साधु संत चलाते हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटीज हो सके, संस्कृत कॉलेजेस हो गए, हाँ बनारस में ऐसे बहुत सारे जहां पे वो योग पढ़ाया जाता है, जहां पर ये अलाउड है, दे आर अलाउड, दे आर गिवन फुल फ्रीडम, यस। नेक्स्ट, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक कानून है जिसे 2005 में पास किया गया है, इसको इस कानून के तहत सबको राइट है, हर व्यक्ति क्या कर सकता है, सरकार से इंफॉर्मेशन मांग सकता है, सरकार की जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी, उसकी कॉपीज मांग सकता है, इवन सैंपल भी मांग सकता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, तुम्हें पता करना है कि रेलवे क्या कर रही है, कितनी जमीनों पे यस रेल का दफ्तर बना चुकी है, कितनी जमीनों पे रेल के दफ्तर नहीं है, रेल के पास टोटल लैंड, सच में मैं सही कह रहा हूं, आप ये पूछ सकते हैं रेलवे से। तो रेलवे गवर्नमेंट के अंदर में आता है, आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, सरकारी ऑफिस से, आरटीआई याद कर लो, ये आपको जिंदगी भर काम आने वाला है, इसके बाद सच में कह रहा हूं तुम सबको जिंदगी भर काम आएगा, बस एक एनवलप में लिख के देना होता है। क्या लिख के देना होता है आपको, एक छोटा सा एनवलप है, पोस्ट ऑफिस में मिलता है, इसमें आपको क्या करना है, जिस भी से क्वेश्चन पूछना है उस एनवलप पे लिखो क्या पूछना है और लिखो टू दी आरटीआई ऑफिसर, जैसे रेलवे से पूछना है लिख दो दी रेलवे इंडिया, क्या पूछना है कि रेलवे के पास कितनी लैंड है, लैंड कितनी उनके पास कंज्यूम्ड हो रही है, कितनी लैंड फालतू पड़ी हुई है, हाँ कितनी एरिया है, सब कुछ पूछ लो, उनको लिखित देना पड़ेगा जवाब, मालूम है कि नहीं है, सच में ऐसा आप किसी के साथ भी पूछ सकते हैं, किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज के साथ पूछ सकते हैं, कितना बड़ा राइट है ये, हाँ सच में। और बड़ा बड़ा पावर बताऊं आपको इसके अंदर, इसकी पावर बताऊं आरटीआई की, आप इवन अपने स्कूल से भी पूछ सकते हैं, सच में आपके पास ये राइट्स है कि आप स्कूल के खिलाफ आरटीआई लिख सकते हैं और उसमें आप स्कूल से पता कर सकते हैं कि कितने एडमिशन लिए, सच में कितने स्कूल ने एडमिशन लिए, उनको रिकॉर्ड देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर आते हैं, उनको सरकार से लाइसेंस मिला हुआ है, एफिलिएशन मिला हुआ है, पता है कि नहीं आपको, स्कूल चलाने का अधिकार मिला उनको ना, तो इसीलिए उनको लिख के देना पड़ेगा आपको, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कितना बड़ा राइट है, देखा ना लोगों को ये पावर पता ही नहीं थी, अब ये पावरफुल बन गए लोग जिन जिनको राइट पता चल गया। चलिए आइए अगला राइट आते हैं, राइट छठवा राइट पढ़ने वाले, मैंने कहा था छह फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे और आखिरी राइट्स को सबसे इंपॉर्टेंट राइट माना गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इस राइट को डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहा था, हार्ट एंड सोल, क्यों, क्योंकि ये राइट ही
बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को पावरफुल बनाता है। इस राइट में कहा गया है कि अगर आपको न्याय ना मिले, आपका राइट छीना जाए, आप कोर्ट में जाइए, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, आर्मी वाला हो, सरकार हो, उसके खिलाफ भी आप क्या करिए, कोर्ट में केस दाखिल कर सकते, किसी भी के खिलाफ। कोई भी आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकता। ये ताकत है इसके अंदर। नाम है कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल मतलब एक सूट, सूट मतलब पहनने वाला सूट नहीं, सूट मतलब होता है मुकदमा। हिंदी में वर्ड है ना मुकदमा, दायर करना। तो आप मुकदमा दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपके राइट्स को कोई छीनेगा तो। समझ गया ना कितना ताकत है इस छठवें, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स, छहों में सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया, क्योंकि उन पांचों को ताकत ये देता है। ये कहता है कि आप कोर्ट में चले जाओ उसके खिलाफ, और कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट रिट जारी कर देगी। रिट मतलब होता है रिटर्न ऑर्डर भेज देगी उसको, सीधे एक ऑर्डर जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जारी कर सकती है किसी के भी पक्ष में, आपके भी पक्ष में कर सकती है, अगर आपको कोई सताया जा रहा है, आपके कोई राइट्स नहीं जा रहे हैं। और किसको लिखेगी, उस अधिकारी को लिखेगी जिसने ये अपराध किया है। आइए कुछ राइट्स बताते हैं, सॉरी रिट्स बताते हैं, WRITS रिट्स बताते हैं। सबसे पहला रिट्स है हैबियस कॉर्पस। अगर इसका बुकिश वर्ड जानेंगे तो उसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। एक एग्जांपल से समझो तब समझ में आएगा। अगर किसी की बॉडी, मान लेते हैं किसी को पुलिस उठा के ले गई, अपने मन से मैं कह रहा हूं एग्जांपल है मेरा ये, किसी को पुलिस उठा के लेके चली गई, किसी को उठा के लेके चली गई, और पुलिस बता भी नहीं रही कहां है वो। अरे भाई वो मेरे रिश्तेदार या मेरे जो व्यक्ति जिनको आप लेके गए वो कहां है, बताइए तो भैया, किस स्थान में बंद किया, कहां बंद किया, इतने दिनों के मुझे मिल नहीं रहे, आप क्या कर रहे हैं उसके साथ भाई, जिंदा है मुर्दा, मुझे साबित करके दिखाइए, मुझे जाइए, मुझे वो मेरा आदमी। तो आप कहां जाएंगे, यस आप जाएंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में यस पुलिस के खिलाफ हैबियस कॉर्पस ले लेंगे सच में। और क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगी, उस व्यक्ति की बॉडी को रिलीज करने का, आजाद करने का ऑर्डर जारी करेगी, चाहे वो किसी को भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी उसको कैद करके रखा हो अनलॉफुली, लीगली नहीं, याद रखना, अगर लीगली पकड़ा हुआ है उसके पास कोई सरकार की नोटिस है तो अलग बात है, पर इलीगली किया तो उसको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कुछ कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। और क्या पावर है रिट में, मैंडमस है। मैंडमस का मतलब होता है वी ऑर्डर। इसमें एक सुपीरियर कोर्ट, एक ऊंची कोर्ट जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देती है नीचे वाले को क्या करने की, कि आप अपना ड्यूटी ठीक से करिए। अगर वो लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं तो ड्यूटी करवाने के लिए है। फिर है प्रोहिबिशन, मतलब डिसअलाउ करना किसी को। तो यहां पर एक सुपीरियर कोर्ट अर्थात एक हाई कोर्ट, ऊंची कोर्ट क्या कर सकती है, किसी छोटी कोर्ट को जो उससे नीचे काम करती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोटी कोर्ट होती है, हाई कोर्ट बड़ी होती है, और सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं सुप्रीम होती है, सबसे बड़ी होती है। तो ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाली कोर्ट को कह सकती है कि आप स्टॉप कर दीजिए प्रोसीडिंग, अर्थात आप अपने ये मुकदमा मत चलाइए, ये मुकदमा मेरे पास भेज दीजिए, ये मुकदमा मेरे पास चलेगा। हाँ, रोक सकती है उसको अपने पास, उस मुकदमे को, उस केस को अपने पास बुला सकती है। और क्या है सर्टिरोरी, पता ना अजीब सी स्पेलिंग है इसकी, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, सर्टी रियोरी। इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी एक सुपीरियर कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर इशू करती है। क्या ऑर्डर देती है, कि मुझे इन्फॉर्म करो। किसको ऑर्डर देती है, एक सबॉर्डिनेट कोर्ट को, एक लोअर कोर्ट को। ऊंची वाली कोर्ट, बड़ी वाली कोर्ट, छोटी वाली कोर्ट को आदेश देती है कि आपके यहां जो मुकदमा चल रहा है इसकी पूरी जानकारी मेरे पास भेजते रहिए आप। यस, मुझे बताते रहिए क्या चल रहा है इस मुकदमे में। हाँ सच में, जैसे एक बाबरी मस्जिद नाम का केस हुआ, तो इस केस को लखनऊ बेंच नाम की एक बेंच देख रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया क्या कि इस पे आप क्या फैसला कर रहे हैं, क्या निर्णय हो रहा है, ये हर दिन की कार्रवाई हमें सूचित करते रहिए। तो लखनऊ बेंच को, सुप्रीम कोर्ट को जो दिल्ली में है, उसको क्या करना पड़ा, सेनेटरी के तहत, इस रिट के तहत इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ी एकदम सच में। और क्या है, क्यू वारंटो, मतलब होता है बाय वॉट ऑर्डर, अर्थात किस ऑर्डर के तहत। अगर किसी व्यक्ति से उसकी पोजिशन छीन ली जाए, यूसर मतलब होता है उसकी पावर या पोजिशन छीन ली जाए, आपके यस आपके बदले किसी और व्यक्ति को जो सीट दे दी गई है गवर्नमेंट की, कोई पोस्ट दे दी गई गवर्नमेंट की, हाँ तुम्हारे बदले किसी और को दे दी गई है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ किसी और का हो गया, तो तुम क्या कर सकते हो, यस पता लगवा सकते हो कि क्यों उसको दी गई, क्या फोर्सिबली या रॉन्गली कोई व्यक्ति पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, उसको बताना पड़ेगा कि किस ऑर्डर के तहत आपको सीट दी गई है। हाँ सच में, देखा कितने राइट्स हैं हमारे पास, कितनी पावरफुल है हमारी कोर्ट, हमारी जुडिशरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट जुडिशरी है, याद रखिएगा। इसीलिए आपको गर्व होना चाहिए कि हम इंडियंस। यस, सातवां फंडामेंटल राइट देखिए सर, आपने कहा था छह, मैंने कहा था छह बेसिक है। सातवें को क्या किया गया, अभी ऐड किया गया। अब इसमें क्या दिया गया है, इसको 2002 में ऐड किया गया, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, नाम है 86th अमेंडमेंट 2002, और इसमें आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया, कि हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, फ्री में और कंपल्सरी क्या करेगी, बच्चों को पढ़ाएगी जो 6 से 14 साल के हैं। सर हमारे यहां तो फ्री नहीं है, तुम ये कहोगे, नहीं नहीं मैं तुम लोग को बता दूं, सच में पढ़ाई बच्चों के लिए फ्री है। आपको पता होना चाहिए इस कानून RTE एक्ट 2009, सर यहां तो तुरंत लिखा है, अभी पूरा बात सुनो, RTE एक्ट 2009 में ये कहा गया है, इस एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके फैमिली के पास पैसे नहीं है, ये कानून पता कर लो तुम लोग, इस कानून में लिखा है क्लियरली कि अगर किसी व्यक्ति जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है अपने बच्चों को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की, वो चाहे मिशनरी स्कूल हो चाहे कोई भी प्राइवेट स्कूल हो आपके शहर का, उसमें फ्री पढ़ाया जाएगा आपको। सच में, इवन मैं अपने स्कूल का बताता हूं, जिस स्कूल में मैं हूं, यस जहां पे मैं प्रिंसिपल हूं, आपको मैंने बताया दिया था पहले, तो हमने भी 104 स्टूडेंट्स को RTE के तहत, जिसमें मतलब होता है फ्री, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं 104। हां करंट डेटा मैं बता रहा हूं अपने स्कूल का, हमें पढ़ाना पड़ेगा, हर स्कूल को पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश है। तो मैं पढ़ा, ये स्कूल फ्री पढ़ा रहा है, तो स्कूल को कुछ मिलेगा क्या? हाँ, सरकार को एक नॉमिनल पैसा, एक नॉमिनल चार्ज देती है, पर ये सारे प्राइवेट स्कूलों पे कानून अप्लाई होता है, बच्चों को फ्री पढ़ाना पड़ेगा उन स्कूल वालों को। देखा कितनी बड़ी पावर की चीज है, आप लोगों को नहीं पता थी, सच सच बताना, आप लोग बताती कि नहीं थी इस राइट टू एजुकेशन नाम के कानून के बारे में, पता था? यस या नो से मुझे बता सकते हो, क्या लिखोगे? हाँ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, यस
अगर आपको पता है इस कानून के बारे में, और नहीं तो आप नो लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा अपनी नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हो तो थोड़ा गूगल भी कर लिया करो, ठीक है, गूगल करो मेरी बात को, आपको और विश्वास हो जाएगा। किसी भी प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट्स फ्रॉम नर्सरी एलकेजी यूकेजी और वन, ध्यान दीजिएगा, नर्सरी एलकेजी यूकेजी वन में फ्री एडमिशन है अप टू क्लास 8 तक, ध्यान दीजिएगा, अप टू क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन है, अगर वह फैमिली सक्षम नहीं है अपने बच्चों की फीस भरने की, वो भी किसी भी प्राइवेट स्कूल की बात मैं कर रहा हूं, गवर्नमेंट की बात नहीं, गवर्नमेंट तो वैसे ही फ्री है। देखा कितनी बड़ी पावर है हमारे पास, बहुत सारे राइट्स हमें पता ही नहीं है, यही तो इस चैप्टर का कमाल है, हमें पता बहुत काम का चैप्टर है। अगला राइट आ रहा है राइट टू प्रॉपर्टी, ये राइट अब खत्म हो गया है, पहले ये फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था आर्टिकल 31, पर इसको क्या कर दिया गया है, इस राइट को कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, इस राइट को डिलीट कर दिया गया है। चलिए अब हम जो करने जा रहे हैं, यस, चेक ऑन द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, क्या स्टेट मतलब सरकार, स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट जो चाहे तब डिसीजन ले सकती है, जवाब है नहीं। आर्बिट्ररी मतलब होता है अपनी मन मर्जी का, क्या अपने मन से मैं कह रहा हूं, मोदी मान लेते हैं गवर्नमेंट जो है बहुत समय पावरफुल है, समय बीजेपी क्या कुछ भी कानून बना सकती है, किसी को भी किसी भी धर्म को किसी भी रिलीजन को रोक सकती है, किसी के भी फंडामेंटल को रोक सकती है ना, एकदम नहीं रोक सकती है, तो सरकार आर्बिट्ररी एक्शन नहीं ले सकती है। आर्टिकल 13(2) में बताया गया है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी ऐसा लॉ या ऐसा ऑर्डर अगर पास हुआ बनाया गया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में होगा, फंडामेंटल राइट छीनने वाला होगा, वो कानून अपने आप निरस्त हो जाएगा, यस इट बिकम्स वॉइड। याद रखिएगा इसको बोला गया है जुडिशियल रिव्यू, क्या जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट इस कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर देगी अगर वह हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनने वाला है। एक एग्जांपल से समझाऊं, चलो एक एग्जांपल बताता हूं, मान लेते हैं मोदी गवर्नमेंट, हाँ मैं एग्जांपल है, ऐसा होगा नहीं, मैं एग्जांपल मान लेते हैं गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट पास कानून पास किया कि 8 बजे के बाद जो 9th के राइजिंग स्टार निकलेंगे उनको गोली मार दिया जाएगा, चलो अरे भाई बन गया कानून, मैंने अपने एग्जांपल से बोल दिया, ठीक है चलो बन जाएगा कानून, मान लेते हैं तो क्या होगा, कानून लागू हो जाएगा क्या, गोली मार दी जाएगी क्या, अरे नहीं 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 मेरे राइजिंग स्टार्स, अभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। देखा क्या कहना चाहते हैं, राइट है हमारे पास, तुरंत ये कानून बनते ही क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड, क्योंकि हमारा राइट टू फ्रीडम, याद है राइट टू फ्रीडम, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मुझे घूमने की, मुझे आने जाने की आजादी है, कोई मुझे रोक टोक नहीं सकता। मैंने एग्जांपल दिया कि 8 बजे के बाद क्या होगा, कोई निकलेगा तो गोली मार दी जाएगी, अरे ऐसे कैसे मार दोगे भाई गोली, तेरे कानून से नहीं चलेगा, हाँ देश में इमरजेंसी थोड़ा लागू है, हाँ याद रखिएगा ये राइट कुछ समय के लिए सस्पेंड हो सकते हैं जब देश में इमरजेंसी लागू है, तब भी गोली मारने का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। चलो आओ थोड़ा सा और जानते हैं, यस रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, तो मैंने कहा राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, ये राइट्स आपको ऐसे नहीं दिए गए कि आप इस राइट का बेजा इस्तेमाल करें, अपने पावर का, अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करें, नहीं, ठीक है। इस राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, प्रेसिडेंट इसको क्या कर सकता है, सस्पेंड कर देगा जब देश में वॉर हो गया होगा, किसी देश से हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, देश ने कोई अटैक कर दिया होगा, या अपने देश में रिबेलियन हो गया, बगावत हो गई, सेना के लोग बगावत फॉर एग्जांपल कर दी, देश की सुरक्षा के नाम पर या देश के इंटरेस्ट पे, देश का हित जहां होगा वहां पे फंडामेंटल राइट्स को समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए हमारे देश में इमरजेंसी कई बार लग चुकी है, एक समय तो इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी हमारे देश में जिसमें लोगों को सारे राइट्स छीन लिए गए थे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब देश में फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं तो कुछ कारण से छीने जाते हैं, कुछ कारण से ही आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जाते हैं, हमेशा के लिए नहीं छीने जा सकते, याद रखिएगा, टेंपरेरी हो सकता है, समझ गए ना। जैसे कुछ कानून है हमारे देश में, DIR कानून, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स एक्ट है, या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, तो कुछ लॉज है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को रोक सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट जब सस्पेंड होंगे तो आर्टिकल का नाम याद कर लीजिए 352, क्या नाम है आर्टिकल का, नाम है 352। इस आर्टिकल के तहत इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी देश में, प्रोक्लेम मतलब होता है घोषित हो जाना, और जब देश में इमरजेंसी घोषित हो जाएगी तो क्या होगा, हाँ आपके पास राइट्स नहीं रहेगा, फ्रीडम टू मूवमेंट नहीं होगा, फ्रीडम टू रिलीजन नहीं होगा, आपके बहुत सारे राइट्स छीन लिए जाएंगे, ठीक है। पर याद रखना आपके ऊपर बेवजह अत्याचार नहीं किया जा सकता, पर इस समय जब राइट्स छीन लिए जाएंगे तो पार्लियामेंट अपना काम करती रहेगी, लेजिस्लेचर अपना काम करता रहेगा, एग्जीक्यूटिव भी अपना काम करता रहेगा, ठीक है। आपके बेसिक राइट्स जैसे राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, ये सब कुछ समय के लिए क्या हो जाएंगे, रोक दिए जाएंगे, सस्पेंड, खत्म नहीं होंगे, ये बस खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, जब तक इमरजेंसी प्रोक्लेम है। और राइट्स और ड्यूटीज, भाई राइट्स मतलब होता है हक, तो साडा हक है ते रख, सुना है ना ये लगाना, हाँ तो ये तो राइट था, राइट मतलब हक, अब जिम्मेदारी, क्या सिर्फ हक ही चाहिए तुम्हें, क्यों तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है क्या, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या, एकदम जिम्मेदारी है, एक नागरिक होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते हमारी देश के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है। आइए ड्यूटीज, तो राइट्स और ड्यूटीज साथ साथ में चलते हैं, जैसे इन ड्यूटीज को कहां जोड़ा गया है, तो मैंने बताया ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट में हमारे पार्लियामेंट में यस एड कर दिया, किसमें जोड़ दिया, पार्ट 4 नाम के पार्ट में, याद रखिएगा पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट 4 में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। इसमें 51A आर्टिकल नंबर याद कर लीजिए, 51A याद करिए आर्टिकल, इस आर्टिकल में 10 ड्यूटीज हम लोग पर लगाई गई हैं। आइए आपको शायद पता नहीं होती ड्यूटीज, मैं बताता हूं, आपको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना चाहिए, देश के नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करना चाहिए, नेशनल एंथम पे खड़े ऐसे हो जाते हैं ना, आप असेंबली में खड़े होते हैं, वैसे नेशनल एंथम होता है, क्यों टेंशन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप उसका सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए, आप जब तक देश के नागरिक हो, इस देश के व्यक्ति हो, आपको अपने देश के नेशनल एंथम पे गर्व होना चाहिए। और क्या करना चाहिए हमें, ये हमारी ड्यूटी है बेटा, हमें चेरिश, हमें खुश होना चाहिए, हमें प्रचार करना चाहिए हमारे देश के जो फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे जो नेता शहीद हुए, लोग शहीद हुए, और क्या करना चाहिए, देश की आजादी के लिए, देश की यूनिटी के लिए संघर्ष करने को तैयार होना चाहिए, देश की अगर जरूरत पड़े, हाँ अगर आपको बुलाया जाए कि सेना में चलोगे, भर्ती होगे, युद्ध करने का मौका आया है, तो आपको जाने को तैयार होना चाहिए, सच में
देश को सर्वा सेवा की आपकी जरूरत है तो करना चाहिए, तन मन धन से करना चाहिए। और हमारे देश में जो रिच हेरिटेज सिखाई गई है हमें, मेल जोल की कल्चरल फीलिंग सिखाई गई है, वो आपको प्रिजर्व करनी है। और क्या करना है, हमारे एनवायरमेंट को, फॉरेस्ट, लेक, वाइल्ड लाइफ को बचाना है। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति इंसानियत, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। हमें हमेशा कुछ नया जानने सीखने की आदत पैदा करनी चाहिए अपने अंदर, ठीक है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम अच्छे व्यक्ति नहीं बनेंगे। और पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब नहीं करना चाहिए, ना वायलेंस फैलाना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा फैलाने का काम मत करिएगा कभी भी, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। और क्या करना चाहिए आपको, किसी भी लाइफ में जहां भी आप काम कर रहे हैं, जो भी फील्ड में हो, उसमें एक्सेल करने की कोशिश करिए, अर्थात उसमें सर्वश्रेष्ठ बनिए। हाँ, ये आपकी ड्यूटी है। एंड लास्ट ड्यूटी है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है, याद रखिए, देखिए आपके पेरेंट्स की क्या ड्यूटी, ध्यान से देखिएगा, ये ड्यूटी ये तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा की ड्यूटी है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन आपको। यस, इसीलिए आपके मम्मी पापा आपको द बेस्ट स्कूल ऑफ योर टाउन में आपको भेज रहे हैं। हाँ, जिस स्कूल में तुम भेज रहे होगे, मम्मी पापा ने तलाश करके, यस, आपके शहर का जो सबसे बेस्ट स्कूल होगा उसमें आपको भेजा होगा, ठीक है ना। ये उनके लिए ड्यूटी है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। आई, फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने बताया, ड्यूटीज आपको अच्छा नागरिक बनाती है, आपको समाज से जोड़ती है, ड्यूटी आपके अंदर के, यस, देश के प्रति इंटरेस्ट जगाती है, टू प्रोटेक्ट एंड अवेकन, आपको जागरूक नागरिक बनाती है, आप एक समझदार व्यक्ति बनते हैं। क्योंकि जब जिम्मेदारी नहीं लोगे ना, क्योंकि जो व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेगा वो व्यक्ति आगे भी नहीं बढ़ सकता। हाँ, अगर तुमने, यस, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरे राइजिंग स्टार से पूछ रहा हूँ, तुम सुबह उठते हो तो बहुत सारे मेरे ऐसे राइजिंग स्टार क्या करते होंगे, उठते ही आप अपना बेड, अपनी चादरों को लपेट लेते होंगे, है ना, स्कूल से आते होंगे तो अपना बैग एक साइड रख देते होंगे, तो ये क्या है आपकी, ये भी आपकी ड्यूटी है, घर में ड्यूटी है। देखा, क्या करते हैं, आते हैं, शर्ट उधर फेंक देते हैं, हाँ, कपड़े उधर फेंक देते हैं, शूज उधर फेंक देते हैं, किताबें उधर फेंक देते हैं, नहीं, नहीं करना है, ये भी आपकी ड्यूटी नहीं है, ठीक है। आपको ड्यूटी मेंटेन करनी है। और क्या करना है, आपको अच्छा बनना है। अगर सोसाइटी में कोई अनरूल है, मतलब बेकाबू व्यक्ति है, उसको टेम करना है, उसको काम डाउन करना है, उसको नियम कानून बताना है। और लास्ट में देश में हार्मोनी पैदा करनी है, देश प्रेम जगाना है लोगों के अंदर। सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट टू। ये फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, अर्थात एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा है कैसे देश की गवर्नमेंट बनाई जाएगी, हाउ अ कंट्री इज टू बी गवर्न, कैसे देश के तीनों ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव कैसे चलाए जाएंगे। तो अब हम जानेंगे कुछ फीचर्स पार्ट टू में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्ट करना, हाँ, किसी को निर्देश देना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये क्या होते हैं, ये एक तरह के गाइडलाइंस होते हैं, ये बताते हैं कि क्या गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए देश को चलाने के लिए। मैं अपने मन से कहता हूं, मेरी मम्मी तुम्हें कहती है, हाँ, कुछ गाइडलाइंस देती है, बेटा देखो बड़ों का सम्मान करो, है ना, झूठ मत बोलो बेटा, सच बात बताया करो, कोई प्रॉब्लम हो तुम उसे शेयर कर लो। क्या है ये, गाइडलाइंस हैं, है ना, आपके जीवन के लिए। वैसे ही गवर्नमेंट को देश को चलाने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। मैं देता हूं आपको एग्जांपल कि गवर्नमेंट को सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, गरीबों को मकान बना के देना चाहिए, जो किसान है, बेरोजगार है, उनको कुछ पैसे दे देने चाहिए ताकि उनका गुजारा हो सके, हाँ, अगर वो गरीब है। और अगर कोई ऐसी जाति के लोग हैं जिसको हम शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास कहते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट की जॉब रिजर्व कर देनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की क्या है, ड्यूटी है। तो गवर्नमेंट नहीं करेगी तो क्या करेंगे, ये काम जेल कर देंगे गवर्नमेंट को, जवाब है नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, समझ गए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एक तरह के गाइडलाइंस होते हैं, कीवर्ड है गाइडलाइंस, जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। कहां लिखे हैं ये, पार्ट फोर, नंबर याद करना जरूरी है, कहां पर, पार्ट फोर। हाँ, आपसे मेरा क्वेश्चन आने वाला है, आपको बताना है अगर आप लाइव बैठे हुए हैं कि फंडामेंटल राइट्स को किस पार्ट में, किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। हाँ, कमेंट में लिख सकते हो, अगर बाद में देख रहे हो तो भी जरूर बताना, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड। और अभी चल रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो पार्ट है फोर पार्ट। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के अंदर में लिखा गया। याद रखिएगा, हमारे देश में आर्टिकल्स बने हुए हैं, आर्टिकल्स 395 है, ठीक है, याद कर लो। शेड्यूल कितने हैं, 8, जब क्वेश्चन बनाया गया था तब की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कानून नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये देश का कानून है, नहीं, ये लॉ का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है, दिशा देता है गवर्नमेंट को, किस बारे में, कि गवर्नमेंट को ये स्टेप्स उठाने चाहिए कानून बनाते समय। जब जब भाई पार्लियामेंट के पास तो पावर है, तो देश का जब कानून बनाएंगे तो इन प्रिंसिपल्स को, इन गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए रूल्स बनाएंगे गवर्नमेंट, समझ गए। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आइए, कहां से मिले हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कहां से हमने खोजे, तो मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली बॉडी का नाम बताओ। हाँ, कमेंट में बता सकते हो मुझे, मैं बता दूं, चलो इस वीडियो के एंड में बताऊंगा द बॉडी विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, मैं बता दूंगा अगर आपको डाउट होगा तो, और मैं आपके कमेंट का भी वेट कर रहा हूं। तो कहां से पता चला कि इसमें क्या क्या होने चाहिए, देश की गवर्नमेंट को क्या क्या, तो ये देश आजाद हो चुका था हमारा, 1947 में आजाद हो गया था। अब देश की गवर्नमेंट को अच्छी गवर्नमेंट है कि नहीं है, है ना, रूल्स रेगुलेशन सही बना रही है कि नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जिन्हें हम कह रहे हैं फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ने आयरिश रिपब्लिक, आयरलैंड नाम का एक देश है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उनसे निकाला अच्छी बातें। उसमें लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल पॉलिसी, हमने वहां से ले लिया। कहां से आया भाई, मेरा क्वेश्चन आया प्रिंसिपल्स कहां से आए। तो हमने एक कानून पढ़ा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन ऑफ रेवोल्यूशनरी फ्रांस, अर्थात फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया। और कहां से चुराया, गांधी जी के भी खुद के आइडियल्स से विश्वास था, उन्होंने कहा था ना अहिंसा एंड ट्रुथ आर माय गॉड, तो वो आइडियल्स ले लिए।
हमने चार्टर ऑफ द ह्यूमन राइट्स, जो कि यूएनओ के चार्टर्स होते हैं, इसको फॉलो किया। और हमने किसको फॉलो किया? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी किसने दिया है? यूनाइटेड नेशन ने। तो जहां जहां से दुनिया में हमें कुछ गाइडलाइंस मिल सकती थी, कुछ सलाह मिल सकती थी कि किस तरीके से देश को अच्छा चलाया जा सकता है, सबके साथ न्याय किया जा सकता है, वहां वहां से हमने क्या किया? अपने क्वेश्चन में इसको जोड़ दिया। याद रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिसेबल नहीं है। हाँ, अभी बने रहिएगा, पूरा डिटेल भी बताने वाला हूं उसके बारे में। तो क्या इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का? मैंने बताया, फंडामेंटल राइट्स अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आप बड़े आराम से कोर्ट पे जा सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो जिसने आपके राइट्स छीना है, कोई भी, गवर्नमेंट तक क्यों ना हो, पुलिस वाला भी क्यों ना हो, आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट रिट जारी करेगी। क्या जारी करेगी? WRIT। पांच रिट्स के बारे में हमने पढ़ा था ऐसे पहले वाले चैप्टर में। हाँ, सेलियंट फीचर्स पार्ट वन, नहीं आपको मालूम हो तो प्लीज जाएं और जरूर चेक करें। और फंडामेंटल राइट्स की बात आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिसेबल नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइंस है। क्या गाइडलाइंस है? माने सरकार तो अच्छा है, नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? मोदी सरकार के खिलाफ केस ठोक देंगे कि इन्होंने देश को वेलफेयर स्टेट नहीं बनाया और मोदी सरकार को जेल में बंद कर दो? नो नो नो। क्या कहना चाहते हैं, समझ गया ना? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिसेबल नहीं है, यू कैन नॉट मूव टू द कोर्ट, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं अगर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगी। पर फंडामेंटल राइट्स के लिए, जो कि छह महीने बताए आपको, उसके लिए तो आप सच में कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आई तो जस्टिसेबल नहीं है तो उसका कुछ महत्व है कि नहीं है? हाँ भाई, महत्व है। पहला प्रिंसिपल है, ये एक तरह की प्लेज है, प्लेज मतलब कसम। हाँ, मैं भारत का नागरिक हूं, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं, तो हम लोग मॉर्निंग में प्लेज लेते हैं, है ना? इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये भी एक तरह की प्लेज है। किसके लिए प्लेज है? भारत के नागरिकों के लिए प्लेज है। और ये चाहती है हमारे देश में फ्रेमवर्क तैयार हो, प्रोग्राम तैयार हो, जो कि सबको बराबर बनाए, सबके लिए इक्वालिटी हो, ठीक है, हमारा देश एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट बने। और क्या लिखा है इसके अंदर? इसमें गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है, मैंने बता दिया, जोर जबरदस्ती नहीं है। गवर्नमेंट जब भी कानून बनाएगी, जो भी सरकार आएगी, है ना, जो भी गवर्नमेंट बनती रहेगी, उनको कानून बनने का अधिकार होता है, उस कानून को बनाते समय वह कोशिश करेगी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा सके, ठीक है। और क्या करना है? दे आर अ मेजर टू जज अ गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। हमको पता करना है कि मोदी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। हाँ, सिंपल सा। तो जज कैसे करेंगे कि मोदी गवर्नमेंट जो भी चल रही है समय, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, बीजेपी गवर्नमेंट, तो बस आसान तरीका है, देखो कि कौन कौन ऐसी गवर्नमेंट है जो सबसे ज्यादा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करती है। जो सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सबसे ज्यादा कानून बना करके देश में लागू करती है, वो सरकार, समझ गए, सरकार की परफॉर्मेंस को मेजर करता है, हेल्प करता है, गवर्नमेंट को गाइड करता है, दिशा देता है, किस बारे में, कि कैसे देश एक वेलफेयर स्टेट बन जाए। और क्या करता है? लोगों को भी एनलाइटन करता है, जागरूक करता है, लोगों को एजुकेट करता है, बताता है कि आपको इन पॉलिटिशियंस को वोट देना चाहिए क्योंकि ये आपके देश को क्या कर रहे हैं, ये अच्छा बना रहे हैं, ये आपके देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। मैंने पहले बताया था, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो एक आदर्श बातें, आइडियल्स हैं, जो हमारा गोल है, जैसे देश में गरीबी एकदम खत्म हो जाए, बेरोजगारी एकदम ना हो, सबके पास घर हो, हर घर में बिजली हो, फ्री में गैस कनेक्शन हो। हाँ, ये सब लिखा है इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। क्या हमारे देश में सब कुछ है? क्या जवाब है? नहीं। तो जो गवर्नमेंट जितना ज्यादा अच्छे से इसको इंप्लीमेंट कर पाएगी, वो गवर्नमेंट उतनी अच्छी है, समझ गए। अब आता है, ये कोर्ट को भी एक तरह से क्या करती है? हाँ, हमारी जो कोर्ट्स है उनको भी एक तरह का डायरेक्शन देती है कि कैसे वो हमारे सिटीजंस के राइट्स की रक्षा कर सके, ये इसमें लिखा है। मतलब कोर्ट को भी जरूरत पड़े तो उसको देख सकती है। चाहता क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? चाहता है हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट बन जाए। वेलफेयर स्टेट, हाँ, एक ऐसा स्टेट जहां पे गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है, जहां पे गवर्नमेंट की पॉजिटिव ड्यूटी होती है कि वो नागरिकों को सोशल, कीवर्ड याद कर लो प्लीज, ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं नागरिकों को? अगर भारत के हर नागरिक को सामाजिक और आर्थिक रूप से, पैसे के रूप में न्याय मिलेगा, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा और लोगों का आदर होगा, उनका मान सम्मान रहेगा, तो समझ जाओ देश वेलफेयर स्टेट है। क्या आप बताइए, हम लोग वेलफेयर स्टेट है कि नहीं, मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। हमारे देश में कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 होगा, बट गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि सबको बराबर न्याय मिले। आइए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं हमें, उनमें से एक है सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस। हमारी गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा, जैसे गवर्नमेंट ने सोशल इक्वलिटी लाने के लिए क्या किया है, मैंने बताया था, राइट टू एजुकेशन नाम का कानून बनाया है गवर्नमेंट ने। यह कानून क्या करता है? कंपलसरी करता है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, बच्चों को फ्री पढ़ाना, 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री है पढ़ाना, फ्री एजुकेशन जी, इवन प्राइवेट में भी, सरकारी में नहीं, प्राइवेट में भी। और गवर्नमेंट इन बच्चों को स्कॉलरशिप्स देती है, जो कम से कम कमजोर फैमिली के बच्चे होते हैं। क्या आपने नवोदय स्कूल के बारे में सुना है क्या? चलो थोड़ा मैं बताता हूँ उसके बारे में। ये गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ये फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, थोड़ा पता करिएगा आप लोग भी। क्या नाम बताया? नवोदय स्कूल। इस एग्जांपल को बता रहा हूं, यहां पे गांव के गरीब घर के बच्चे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड, उनको फ्री पढ़ाया जाता है, फ्री लिखाया जाता है और फ्री रेसिडेंस भी दिया जाता है। जी हाँ, सब कुछ फ्री। और याद रखिएगा, इसका एग्जाम होता है, उस बच्चे को क्वालिफाई करना पड़ता है। तो क्या कर रही है सरकार? देखा ना, ऐसे बहुत सारे कदम उठा रही है सरकार। जो 5-year plans बनाती है उसमें भी ये देखती है कि कैसे गरीब लोगों का, समाज के वीकर सेक्शंस का, पुअर सेक्शंस का भला किया जा सके। हमारे देश में अनटचेबिलिटी को भी बैन कर दिया गया है, आप किसी भी रूप में किसी को अछूत, दलित या लोअर कास्ट का व्यक्ति कहकर के उसका असम्मान नहीं कर सकते, किसी भी रूप में अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है। अगर आपने किया, किसी ने भी किया, जेल है, पता है कि नहीं? हाँ, हरिजन एक्ट नाम का कानून है, उसमें जेल हो जाएगी।
और क्या करना है, गवर्नमेंट ने क्या अच्छा काम किया इक्वलिटी लाने के लिए, याद है ना, सरकार ने 10% रिजर्वेशन दे दिया है EWS को। अब आप किसी भी जाति के हो, अगर आप EWS, क्या वर्ड होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जिनके घर में कम कमाई है, इतनी कमाई नहीं है कि पूरे परिवार का गुजारा हो सके, अब वो कोई भी, यस, वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जॉब का हो, यस, उसके लिए गवर्नमेंट के जॉब्स में, सरकारी नौकरियों में और इवन हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन में रिजर्वेशन हो गया। हाँ, बड़ी खुशी की बात है। पहले रिजर्वेशन सिर्फ किनको मिलता था, हाँ, SC और ST के लोगों को मिलता था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मिलता था, या OBC को मिलता था, अब इनको भी मिलने लगा है। अभी किसी भी जाति के हो सकते हैं, हाँ, ये मेजोरिटी वाले लोग भी हो सकते हैं, इनको भी सरकार दे रही है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और क्या कर रही है सरकार, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी स्टेप्स उठा रही है। क्या क्या किया सरकार ने, सरकार ने जमींदारी सिस्टम बंद कर दिया है, जमींदार लैंडलॉर्ड्स होते थे और ये किसानों को बहुत लूटते थे, डराते धमकाते थे, बहुत टैक्स लेते थे, सरकार ने इसको बंद कर दिया है। सरकार ने कानून बनाया राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल। इस कानून में सरकार ने किसी की लैंड लेने पर उसको लैंड का उचित दाम देगी, दाम के साथ अगर उसका कहीं पुनर्वास करना पड़े, उसको रीसेटलमेंट में जो खर्चा करे सब सरकार करेगी। सच में ऐसा होता है, इससे उनको फायदा मिलेगा जिनकी सरकार जमीन एक्वायर कर रही है, एक्विजिशन मतलब होता है परचेज कर ले रही है, सरकार खरीद ले रही है। क्या करेगी सरकार, उनको जहां नई जगह स्थापित करेगी उस जमीन के बदले उसका पैसा भी देगी और उनके पुनर्स्थापित करने पे उनको मदद भी करेगी। ऐसा हो रहा है, सड़कें बनाने में पता है कि नहीं है, बहुतों के गांव की जमीन चली जाती है घर के, क्या आपके भी कोई ऐसी जमीन में है क्या सड़क के किनारे है जिसको सरकार ने क्या कर दिया, रोड चौड़ा करने के लिए लिया है। हाँ, ले लेती है सरकार, पर पैसा देती है इसमें, इस कानून के तहत पैसा देती है, तो इक्वलिटी लाना चाहती है। और क्या कर रही है सरकार ने, बैंकों को नेशनलाइज कर लिया है, जो बैंकें प्राइवेट हुआ करती थी पहले 1969 में और 1980 में, दो बार बैंकों को क्या कर दिया सरकार ने, अपने अंडर कर लिया, ताकि सबको यस बैंकिंग का फायदा मिल सके, गांव गांव में बैंकिंग पहुंचाई जा सके। इंश्योरेंस कंपनी है, हाँ, आपको मालूम है देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, क्या कहते हो, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, हाँ, यह है ना, सुना है कि नहीं, किसका स्लोगन है ये, LIC का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोगों को इंश्योरेंस का फायदा दिया है। इंश्योरेंस से क्या फायदा मिलता है, अरे भाई, किसी के घर में कोई घटना घट जाए, किसी के फादर चले जाए, मर जाए, तो उनका घर कैसे चलेगा, तो ये इंश्योरेंस कंपनी उनको मदद करती है, उनको फाइनेंस देती है, ठीक है। और क्या सरकार ने बनाया है, इक्वलिटी लाने के लिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने के लिए सरकार ने कानून बनाया है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा नहीं है कि लड़का है तो ज्यादा पेमेंट मिलेगा, नो, लड़की भी अगर है तो भी उसको उतनी पैसा मिलेगा जितना कि लड़कों को मिलता है। पेमेंट क्या होगी, बराबर, एक जितनी होगी, अगर एक जैसा काम दोनों कर रहे हैं तो दोनों को एक जैसा पे मिलेगा, ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। सरकार ने एक योजना बनाई है, आयुष्मान भारत योजना, हाँ, ये नई योजना है, अभी 2018 में बनाई गई है। इस योजना को गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन लोगों के लिए जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, गरीब है समाज के लोग, उनको 5 लाख का हेल्थ स्कीम दिया गया है। हाँ, मतलब इस योजना के तहत सरकार ने नेशनल हेल्थ एंड प्रोटेक्शन स्कीम के तहत उनका 5 लाख का फ्री ऑपरेशन या हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा सरकार भरती है। नहीं पता था आपको बात, हाँ, ये है योजना, नाम है आयुष्मान भारत। और क्या योजना है गवर्नमेंट की, मैं बताता हूं, गवर्नमेंट ने किसानों की मदद करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं, जैसे IRDP, इसमें इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट है, गांव के विकास, गांव में सड़कें बनाने के लिए, गांव में पंचायत घर बनाने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी देने के लिए सरकार से प्रोग्राम चलाती है, गांव में लोगों को जो बेरोजगार हैं उनके लिए गारंटी प्रोग्राम्स हैं, तो कई सारी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट बना रही है। हाँ, उनमें से सबसे बड़ी योजना है मनरेगा। सर, कहां लिखा है मनरेगा, अभी बताता हूं मनरेगा कहां लिखा है, ये देख लो, ये है मनरेगा, कहां सर, महात्मा गांधी नेशनल, एंड लिखा है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, समझ गए, मनरेगा। ये कानून है जो क्या करता है, 100 दिन का मिनिमम रोजगार देता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट फैमिली को, पता कि नहीं है, समाज में सबसे गरीब से गरीब लोगों को ये गारंटीड वेज देता है। इतनी अच्छी योजना है बराबरी लाने के लिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए। और क्या है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, सम्मान निधि, निधि मतलब धन होता है। इस योजना के तहत 6,000 रुपया पूरे साल में, कितना, 6,000, वैसे ये पुराना फिगर है, मैं आपको उसका करंट फिगर बताऊं, आजकल 12,000 हो गया है, आजकल ये पुराना फिगर है क्योंकि आपकी बुक में 6,000 लिखा है, आजकल 12,000 हो गया है। सरकार 6,000 रुपया किसानों को देती है, कौन से किसानों को देती है, जो गाड़ियों में घूमते हैं, नहीं नहीं, हमारे देश में अमीर किसान भी हैं, मर्सिडीज वाले किसान भी हैं, मैं बता दूं, हमारे पंजाब के और इवन ईस्टर्न यूपी के किसानों के पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, कमजोर मत समझो हमारे भारत के किसानों को, पर ऐसे किसान भी हैं बहुत सारे जिनके पास इतनी छोटी भूमि है कि उनको अपने परिवार का ही गुजारा हो पाता है, ऐसे फार्मर्स को हम लोग कहते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो इन फार्मर्स का गुजारा कैसे होगा, बेचारों पर तो पैसा भी नहीं होता है, इतनी छोटी भूमि होती है, तो इनको सरकार क्या करती है, आराम से जीवन जीने के लिए, मनी लेंडर से बचाने के लिए सरकार 6,000 रुपया परिणाम दे रही है, मैंने बता दिया, करंटली 12,000 हो चुका है। और क्या किया सरकार ने, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, गांव के लोगों के लिए घर फ्री में, सच में, नहीं मालूम था आपको, हाँ, नाम है योजना का हाउसिंग फॉर ऑल, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के पैसा लगाती है, सच में, उन लोगों को घर देती है जिनके पास घर नहीं है, फ्री में। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा इंश्योरेंस, किसानों का बर्बादी हो जाता था, बेचारे बर्बाद हो जाते थे, क्या हो जाता था, बाढ़ जाती थी, फसलें बर्बाद हो जाती थी उनकी, कई बार ऐसा हुआ कि एकदम सूखा पड़ गया, किसान तो बर्बाद हो जाता है बेचारा, गरीब होता है ना बेचारा, तो उनको बचाने के लिए सरकार ने योजना बनाई, प्रधानमंत्री फसल योजना। सिर्फ 2% देना है, कितना प्रीमियम देना है, 2%, अगर वो खरीफ क्रॉप उगाता है, हाँ, खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो रेनी सीजन उगाए जाते हैं ना,
मान लेते हैं, एग्जांपल देता हूं कि किसानों ने 10,000 रुपए का, ध्यान से देखिएगा मैंने एग्जांपल दिया, 10,000 रुपए का क्रॉप उगाया, 10,000 रुपए का क्रॉप उगाया, तो इसका सिर्फ 2% उनको बीमा देना पड़ेगा। 2% मतलब 200 रुपया क्या करेंगे, दे देंगे। अगर क्रॉप बर्बाद हुआ तो भी किसान चैन की नींद सोएगा, क्यों? सरकार पैसा देगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा से उसको पूरे 10,000 वापस मिल जाएंगे। कितना देना है? इसका प्रीमियम देना है 2%। 2% निकालो तुम लोग, देखो प्रीमियम सिर्फ 200 रुपया आएगा, तो सिर्फ 200 रुपया दे करके चैन की नींद किसान सो सकता है ना, मस्त योजना। और अगर रबी क्रॉप उगाते हो तो 1.5% और कम देना पड़ेगा, सिर्फ 1.5% दे दो प्रीमियम, आपका टेंशन, सरकार का टेंशन, हाँ आप किसान का फसल डूबे बर्बाद हो, क्रॉप्स खराब हो जाए, टेंशन लेने की किसान को जरूरत नहीं, पैसे मिल जाएंगे उसको पूरे। और सबसे बढ़िया चीज है क्या, क्या कमर्शियल क्रॉप्स को भी सरकार बचाने की योजना बना चुकी है। कमर्शियल क्रॉप्स वो होता है जो किसान एक्चुअली रखता नहीं अपने पास। मैं एग्जांपल दूं, जूट का एग्जांपल, हाँ फाइबर के क्रॉप्स, राइस बेचने वाला, आजकल किसान राइस उगा करके बड़ी क्वांटिटी में शुगर केन बेच रहा है, कमर्शियल क्रॉप्स है, ठीक है। हालांकि राइस जो है स्टेपल क्रॉप भी है हमारा, तो इस तरीके के क्रॉप्स को सरकार 5% बीमा पे क्या करती है, पेमेंट कर देती है। आइए कुछ और एग्जांपल पढ़ें। सरकार ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ पॉलिटिकल, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल राइट्स भी दिए, जैसे हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम बना दिया गया है। मालूम है कि नहीं, हर गांव में पंचायत है, और ये पंचायत क्या करती है, गांव की सारी समस्या गांव में ही निपटा देती है। गांव के ही मेंबर अपने लीडर्स को चुनते हैं, अपने लीडर्स को, जिनको कहते हैं हेडमैन, हाँ हेडमैन समझ गया ना, जो पंचायत चलाते हैं गांव की। इसमें सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं, गांव की कोई समस्या है, गांव में नहर नहीं है, गांव में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, पंचायती राज एक तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और क्या है, हम लोग भारत में जो है कानून को फॉलो करने की पूरी आदत है, हम लोग इंटरनेशनल लॉज का भी पालन करते हैं, एंड लास्ट में हम चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो, यस आर्म्स न हो, हथियार न हो। आइए इसके लिए कुछ फॉरेन राइट्स भी बताते हैं, ये हमारी कुछ फॉरेन पॉलिसी है, हाँ हम लोग ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसको भी लिख रखा हुआ है। जैसे हम लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, इसलिए हम यूएन का साथ देते हैं, जहां पर कॉलोनिज्म होता है, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। आपको पता है हमने अपार्थीट का विरोध किया, एग्जांपल दूं साउथ अफ्रीका का विरोध किया हमने, जब साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स एंड व्हाइट्स पर अत्याचार हुआ, तो हम लोग करते हैं, इंडिया करती है, इंडिया फॉरेन लॉस को, इंटरनेशनल लॉस को मानती है, जो भी इंटरनेशनल नियम कानून बने हैं भारत उसका पूरा सम्मान करता है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग डिसआर्ममेंट में बिलीव करते हैं, हथियारों की दौड़ मत लगाओ, ठीक है।